हाँ जी, गुड इवनिंग। तो संस्कृति आयुष में आप सभी का स्वागत है। बाकी आप लोगों को ये तो पता ही होगा, कल आपने सेमिनार अटेंड किया होगा कि आज क्लास किस सब्जेक्ट की स्टार्ट होने वाली है। कुछ आइडिया? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है। किस चीज़ की क्लास है आज? हाँ चलो, इसमें अभी डाउट है। दो अलग अलग शब्द आपने जवाब दे दिए, एक आवाज़ आई है इकोनॉमिक्स की और दूसरी आंसर आ रहा है इकोनॉमी की। तो क्लास किस सब्जेक्ट की, इसको क्लियर बाद में करेंगे, है ना। दो अलग अलग शब्द हैं ये, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, और एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, खासकर सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट आगे कैसे चलेगा, क्लासेस आगे कैसे चलेंगी, उन बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल संस्कृति के बारे में तो आपने कल सेमिनार में सर से सुन ही लिया है, लेकिन आज मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा केवल, अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो तीन बातों की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, तीन बातें आपको पता हो। एक, उस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। दूसरा, वो सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। और तीसरा, वो कैसे पढ़ना है। इन तीन बिंदुओं की जानकारी हो तो तैयारी ठीक दिशा में जा सकती है। आप लोग कुछ लिखिएगा नहीं, केवल ये सुनने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, है? इसलिए कुछ लिखना नहीं है। कुछ बातें आपको समझनी है ना, कि तैयारी कैसे करनी है, क्या चल रहा है, क्या और करना है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे बोल रहा था कि क्या पढ़ना है, पहले ये पता हो आपको। हर सब्जेक्ट में इसका जवाब आना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे चलेगी, जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेंगी, आपको खुद लगेगा आइडिया कि सर ये तो सबसे जरूरी बात थी जिसको हमने बहुत ही लाइटली ले लिया। शुरू में ही इस बात पे गंभीरता से तैयारी करनी चाहिए थी, गंभीर होना चाहिए था। वो बात क्या है कि क्या पढ़ना है आपको, और क्या पढ़ना है इसकी जानकारी कैसे होगी, कैसे पता चले कि आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, कैसे पता चले ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो इसकी जानकारी मिलती है कहाँ से? सिलेबस। हमें सिलेबस देख करके पता चलता है कि क्या पढ़ना है। अच्छा, उस सिलेबस में भी ये आप सबको पता ही है कि प्रिलिम्स और मेंस दो पार्ट है। प्रिलिम्स आपको क्वालिफाई करना है ना। अभी जो बैच आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इस बैच में यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को इकट्ठा कवर करेंगे हम। लेकिन कैसे कवर होगा, क्या ये दोनों को ज्वाइंट बैच में पढ़ना ठीक रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी अलग अलग करनी चाहिए, इन सब बातों के मैं जवाब दूंगा। और मैं फिर से करूं, मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जवाब दे रहा हूं, ओवरऑल बाकी सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे देखें, ये सिलेबस है यूपीएससी का। कौन सा सिलेबस है? ये प्री एग्जाम का। तो पीटी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक लिखे हैं, जरा ये टॉपिक देखें, जो रेड कलर से इंडिकेशन है, पांचवा पॉइंट, ये इकोनॉमी का सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस को मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं, एक ही लाइन है। आर्थिक और सामाजिक विकास, आगे लिखा है सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। ये सिलेबस किसका है? यूपीएससी का, सिविल सर्विस का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लेती है उसका प्री का सिलेबस है। अब आप लोग देखें कि अगर सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हैं, अगर मैं केवल यही टॉपिक शब्द अक्षर तो यही टॉपिक आपको पढ़ा दूं, तो आपको 5 दिन में प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल बनता है कि ये पर्याप्त है? जैसे आप लोगों के मन में सवाल शुरू से रहता है, डे वन से रहता है, जिसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, कि क्या हमें कोई बुक पढ़नी है, बुक पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, वगैरह वगैरह। तो आपको सिलेबस में जो लिखा है इतना ही पढ़ना है या कुछ अतिरिक्त पढ़ना है, इसकी जानकारी कैसे मिले? इसने यूपीएससी ने तो आगे एक शब्द लगा दिया, क्या है ये? और आदि शब्द लगने के बाद बहुत कुछ आ गया। आपको जो कुछ नहीं लिखा वो भी है, और आप यूपीएससी को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे कि आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। वो कहेगा हमने आगे एक शब्द लिखा था, क्या सब इसी में है, जो नहीं दिख रहा वो सब इसी में। इसी तरह से एक और चीज देख लेते हैं साथ साथ, यूपीपीसीएस का सिलेबस। अब यूपीपीसीएस का भी प्रीलिम्स का सिलेबस, इसके प्रीलिम्स का सिलेबस को देखें जरा क्या लिखा है, सेम लाइन देखें। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। आपको ऐसा नहीं लग रहा मैंने सेम सिलेबस पढ़ दिया? ऊपर क्या लिखा है, अब की बार क्या है, और पहले क्या लिखा था? यूपीएससी। और दोनों में सिलेबस
सेम है और सेम है या नहीं इसकी तुलना कर लेते हैं। अब मैंने तुलना करके चार्ट बना दिया है, एक स्लाइड बन गई है और इस तुलना में पता चल रहा है ये सिलेबस, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है और ये यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस है। आप गौर करें, अक्षरतः इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। कहां से कॉपी पेस्ट किया? यूपीपीसीएस में सिलेबस बाद में चेंज हुआ, इससे तो सब सहमत है। ऑप्शनल अब हट गया। अब जब ऑप्शनल हट गया तो इन्होंने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए हैं उसको देखने से पता चलता है कि आप इसकी पढ़ाई करो या उसकी पढ़ाई करो, नाम जरूर कमीशन के अलग हैं, एग्जाम का थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी अलग होगी, लेकिन सिलेबस एकदम सेम है। इससे क्या जानकारी मिलती है कि अगर आप इस टॉपिक की क्लास अटेंड कर रहे हो या आप इस सिलेबस को कवर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी हो रही है एक और चीज की। आप दो एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक नहीं है जितना भी हमने सिलेबस देखा। क्यों नहीं अलग से पढ़ने की तैयारी की आवश्यकता? क्योंकि दोनों में सिलेबस में जो शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द एकदम सेम लिखे हुए हैं। इसी तरह जरा मेंस का सिलेबस भी देखें। आप लोगों को जानकारी होगी कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस में कहाँ आता है मेंस में, तो मैं जरा एक बार मेंस का सिलेबस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेंस में चार पेपर ऐसी है, कितने पेपर? उस चार पेपर में से हमारा जो जीएस का पेपर जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा? पेपर थर्ड। और पेपर थर्ड में इंडियन इकोनॉमी के अलावा उसमें साइंस टेक भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, पता है कि नहीं? ये सारे चीजें इस पेपर थर्ड में पढ़नी है। लेकिन इस पेपर थर्ड को देखने से, देखें जरा कुछ ऐसे देख सकते हैं पेपर थर्ड, ये रहा, इसमें टेक्नोलॉजी थी, इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण और इंटरनल सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन, ये सारा मिला के पेपर थर्ड बनता है। और पेपर थर्ड कितने नंबर का? 250 नंबर का। अब ये 250 नंबर के पेपर थर्ड में से हम जरा अपना सिलेबस एक बार देखें कि हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। तो सिलेबस अब मैं यूपीएससी का दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यूपीएससी का सिलेबस देखने से लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कमीशन ने उसको डिटेल से सिलेबस को बताया है। ये देखिए सिलेबस है, ये पेपर थर्ड वाला सिलेबस किस चीज़ का भैया? यूपीएससी का। ये टॉपिक दिए हुए हैं, मैं एक दो टॉपिक पढ़ता हूँ, नाम 10 पॉइंट है ये। जैसे एक नाम लिखा है समावेशी विकास एवं उससे उत्पन्न विषय। अब समावेशी विकास से उत्पन्न विषय में क्या पढ़ना होता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ये इसी टॉपिक के साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। ये सिलेबस किसका था फिर से पूछ रहा हूँ, बोलो? यूपीएससी का। अब ऐसा ही सिलेबस हम एक और देख लेते हैं, और ये पेपर सिलेबस दिया हुआ है यूपीपीसीएस का, और यूपीपीसीएस के सिलेबस को देखें। यूपीएससी का पेपर थर्ड, यूपीपीसीएस का पेपर थर्ड और यूपीपीसीएस का पेपर सिक्स, फोर नहीं, पेपर। आपको पता होगा जीएस में, यूपीपीसीएस में कितने पेपर हैं? छह पेपर, जिसमें पांचवा और छठा पेपर नया जुड़ा है और वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की लोकल जानकारी से रिलेटेड है। अब मैं तीनों पेपर का कंपैरिजन कर रहा हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि पढ़ना क्या है। पहले जवाब दे रहे हम क्या पढ़ना है, यहाँ देखते हैं। ये पेपर थर्ड का मेंस का सिलेबस आईएएस का, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन जुटाने, प्रगति, विकास, इधर समावेशी विकास, उससे उत्पन्न विषय, इस तरफ देखते हैं। ये कौन सा है? यूपीपीसीएस कौन सा पेपर? पेपर थर्ड में देखें भारत में आर्थिक नियोजन, इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं, इधर भी इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं, हिंदी में पर्यायवाची लिखे हुए हैं या शब्द थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं, इंग्लिश वर्ड सेम है, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना है। आप बताओ, इतना तो सबको जानते हो सब लोग कि वर्तमान में भारत में प्लानिंग कौन कर रहा है? योजना आयोग है। अब कौन है? यहां नाम नहीं लिखा, इधर नाम लिख दिया नीति आयोग, इधर नाम नहीं दिया है। इधर प्लानिंग पढ़ोगे तो नीति आयोग इधर भी पढ़ना है, इधर नाम दे दिया नीति आयोग, इधर दे दिया सतत विकास के लक्ष्य, और यहाँ पे सतत विकास था कहाँ? था प्रीलिम्स में। बहुत बढ़िया, अभी दिखाया था मैंने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस था या नहीं, यहाँ भी पढ़ना है सतत विकास, छोड़ना नहीं है। इधर देखिए क्या लिखा है, समावेशी विकास से उत्पन्न, इधर विषय भी दे दिए गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और आगे, यानी ये समावेशी विकास शब्द कॉमन हो गया, बाकी उससे उत्पन्न विषय थे, विषय तोड़ दिया उसने। आप बताओ सिलेबस कौन सा देख रहे हैं, प्री का मेंस का? मेंस का सिलेबस सेम है। आप सारे टॉपिक में को मतलब उसको तुलना करके देखें, यहाँ लिखा है सरकारी बजट, इधर लिखा है सरकार के बजट के अवयव और वित्तीय प्रणाली, एकदम सेम सिलेबस लिखा है।
सही मायनों में देखोगे, एक आध दो ग्रामर के का की के ऐसे शब्द इधर उधर जोड़ दिए, यूपी पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस का लगभग सेम है, 99% सेम है, एक आध शब्द इधर उधर करता है। और एक दो टॉपिक देखें जरा इसमें, यहां देखें क्या लिखा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि, पढ़ो, कृषि सहायता, इंग्लिश वर्ड है सब्सिडी, है ना, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा अभी किसानों के आंदोलन में, एमएसपी, नाम सुना कि नहीं। इसी तरह लिखा है जन वितरण प्रणाली, हम कौन सा सिलेबस देख रहे हैं अब, इसी को यूपीपीसीएस पे देखते हैं। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कृषि अनुदान, इंग्लिश वर्ड अभी भी बस सेम है, क्या है, सब्सिडी। इधर आगे लिखा है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, यहां लिखा था न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, अब विषय बोलो मुद्दे बोलो पर्यायवाची तो है, टॉपिक वही एमएसपी, वहां भी था टॉपिक एमएसपी, वहां भी था। इधर क्या लिखा था, जन वितरण प्रणाली, यहां पर क्या दिया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सेम चीज पढ़नी है, उद्देश्य क्रियान्वयन सीमाएं सुदृढ़ीकरण, सेम बातें पढ़नी है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप आईएएस का पेपर थर्ड पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये लेकर के चलना कि आप साथ साथ यूपीपीसीएस का भी पेपर थर्ड पढ़ रहे हो। मतलब अगर आप यहाँ पे 4 घंटे की क्लास अटेंड करते हो तो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए केवल इससे तो आईएएस एग्जाम ही होगा, साथ साथ आपका यूपीपीसीएस के लिए अब अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता। अब मुझे बताओ, अगर हम आपसे ये कहें कि आईएएस और पीसीएस का ये एक ही बैच है तो ये सही है गलत है, क्यों सही है, क्योंकि सेम सिलेबस है, आपको अलग से मेहनत कुछ करनी है तो थोड़ी बहुत, वो किस में, पेपर 6 में। अब जरा पेपर 6 को वापस से स्टार्टिंग से कंपेयर करते हैं, यहां देखें यहां क्या नाम था, इधर कंपेयर करते, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था और राज्य बजट की मुख्य विशेषता, कौन सा बजट, यहां मैं पढ़ाऊंगा केंद्र का बजट, यहां किसका बजट, लेकिन आप बताना थोड़ा ध्यान से, यहां जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा बजट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं, बजट में राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा किसे कहते हैं, घाटा कैसे कम होता है, घाटा बढ़ने के कारण क्या है, और भी बहुत सारी बातें, ये सब यहां पढ़ लेंगे। यहां बस मुझे क्या बताना आगे, उत्तर प्रदेश में राजकोषीय घाटा कितना हुआ, उत्तर प्रदेश में घाटा बढ़ रहा है तो कारण क्या है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने घाटा कम करने के क्या उपाय किए, बताएं सब लोग जो मैं पूछूंगा अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा जा रहा है, यूपीएससी में या पेपर 6 में, कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा मैंने, यहां तो उसके केवल तथ्य जोड़ दिए, तथ्य फैक्ट जोड़ दिए मैंने, और वो फैक्ट कौन से होंगे जो रिलेटेड किससे। अब आप में से कोई ऐसा हो जो बिहार पीसीएस भी दे तो यहां पे बिहार वर्ड लागे लगा दो, सिलेबस सेम है, कुछ समझे मेरी बात। अगर आपने ये सीख लिया कि बजट क्या है, क्यों है, कैसे बना, घाटा, जो भी कुछ जानकारी कॉन्सेप्ट यहां पढ़ने थे, तो बाद में पता चलता है यहां तो बस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें ऐड करनी थी, कुछ क्लियर हुआ। जैसे और देखिए कंपैरिजन, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद, तैयारी कैसे करनी है ये आइडिया लग जाता है। यहाँ लिखा हुआ है सहायता, कृषि सहायता, इधर भी कृषि सहायता, अब जरा इधर देखें, उत्तर प्रदेश में किसानों की सहायता हेतु की गई पहल, सोच के बताना आराम से, मुझे सही आंसर चाहिए लेकिन सोचो आप पहले, ये जो की गई पहल ये क्या है, सरकार की योजना है, सही है, आप बताएं क्या ये कॉन्सेप्ट होता है या याद करने वाली चीजें होती हैं योजना है? योजनाओं में कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या, कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा है, ये एमएसपी क्या होता है, यहाँ तो एमएसपी की कोई योजना आ जाएगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि सरकार ने जन वितरण प्रणाली क्या होती है, जन वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, जन वितरण प्रणाली की सीमाएं क्या है, जन वितरण प्रणाली में क्या सुधार करें, यहाँ आएगा भारत उत्तर प्रदेश सरकार में जन वितरण प्रणाली के लिए कोई सरकार ने स्कीम शुरू करी है क्या, और कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप यूपीएससी का पेपर थर्ड पढ़ लेते हो तो यूपीपीसीएस का पेपर थर्ड तैयार हो गया, और उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए फैक्ट जोड़ दो तो यूपीपीसीएस का पेपर 6 तैयार हो गया, कुछ मेरी बात समझे। अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा, मुझे साइंटिफिक आपसे जवाब चाहिए, मैं आपको पहले क्या पढ़ाऊं, आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो जो सोचा हुआ है फिर भी आपसे पूछते हैं, पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ा दूं, पहले क्या पढ़ना चाहिए, बजट का कॉन्सेप्ट, कुछ समझ आए, अगर मैं आपको बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं और उसके बाद लिखाऊं कि लिख लो उत्तर प्रदेश में घाटा इतना हो गया, अब आप मेरे से ये नहीं पूछोगे सर ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया, समझे मेरी बात। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो डायरेक्ट यूपीपीसीएस की तैयारी करना शुरू कर देगा
और केवल इस पेपर पे फोकस करेगा, क्योंकि उसको चिंता पेपर 5 पेपर 6 नया जुड़ गया, उसको समस्या आएगी। वो समस्या ये आ रही है कि उसका अगर बेसिक हिस्सा कमजोर है, वो समावेशी विकास को जानता ही नहीं, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या योजनाएं शुरू करी हैं, कौन से इंडेक्स शुरू किए, समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला सवाल था क्या पढ़ना है, इसके लिए जानना कैसे क्या पढ़ना है, मैंने कैसे जाना, सिलेबस। आपकी सबसे बड़ी समस्या होगी फ्यूचर में बता रहा हूं मैं, कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये पढ़ना है टॉपिक हमें या नहीं पढ़ना है, और इसका जवाब टीचर कुछ भी दे, इसका सही जवाब कहाँ मिलेगा, सिलेबस देखो। और इसीलिए आपने नोटिस किया हो कि संस्कृति आईएएस से जो आपको पैड वगैरह अभी मिले होंगे या मिल जाएंगे, पैड मिला यहाँ से अभी नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से पैड मिल जाएंगे, जो राइटिंग पैड आपका होता है उस पर हमने सिलेबस प्रिंट किया हुआ है। क्यों किया हमने सिलेबस प्रिंट, हम अपना प्रचार भी कर सकते थे कि ये टीचर है ये है, नहीं, सिलेबस क्यों प्रिंट किया, क्योंकि आप बार बार उस पैड का यूज करके लिखोगे, जब आप पैड का यूज करके लिखते हो तो आपका बार बार ध्यान जाएगा किस पर, और सिलेबस पर ध्यान जाने से ये काम आता है बड़ा, जब हम आगे इंटरलिंकिंग करेंगे मेंस की क्लासेस में तो आपको याद आएगा कौन सा टॉपिक किससे लिंक करना है, उस समय आपको समझ में आता जाएगा कि अगर यूपीएससी जनवितरण प्रणाली का क्वेश्चन पूछे तो उस मेंस की आंसर राइटिंग में उसे खाद्य सुरक्षा से लिंक करना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में साथ में लिखा था। यूपीएससी डिमांड करता है इंटरलिंकिंग के, कौन सा टॉपिक किससे लिंक है उसका हिंट उसने सिलेबस में दिया था, लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते। तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या पढ़े, कौन सी बुक अच्छी है मार्केट में, इसका निर्णय कैसे लिया जाए, जो बुक हमारे सिलेबस के अनुसार हो, बोलो कौन सी बुक अच्छी है, कोई बुक किसी पर्टिकुलर राइटर की अच्छी हो जाएगी, नहीं हमें नहीं पता, राइटर से मतलब नहीं, हमें पहले सिलेबस से मतलब है। आप बताएं, ईमानदारी से बताना जो मैं पूछता जा रहा हूं, कि 90% लोग जब बुक खरीदते हैं तो उनको सिलेबस याद होता है क्या, नहीं, बाजार में जाते हैं बुक शॉपकीपर से क्या देते हैं, भाई साहब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जरा अच्छी सी बुक कोई बता दो, वो कौन सी बुक बताएगा जिसमें सिलेबस पूरा हो, उसे क्या मतलब सिलेबस से, आप देखो सिलेबस, आपको ठीक नहीं लगा वो छोड़ देगा, आपको देखना है ना सिलेबस की ठीक बुक है नहीं है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, आपको सिलेबस की पूरी जानकारी हो, और इसी तरह से मैंने सारा पेपर कंपेयर कर रखा, पेपर थर्ड में दिया, यहां देखें पढ़े, भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, इधर पढ़ते हैं भारत में संबंधित उद्योग, कभी कभी तो लगेगा सर ये आपने गलत तो नहीं लिख दिया, सेम सिलेबस छाप दिया आप लोगों ने गलती से, इतना सेम है कि कंफ्यूजन हो जा रहा है, बताओ सेम है कि नहीं, बिल्कुल। फिर से कह रहा हूं, जब आप यहां पे पढ़ो या घर बैठ के रिवीजन करो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं 250 नंबर की तैयारी नहीं कर रहा, 250 ये चल रहे हैं, यानी पेपर थर्ड में जो इकोनॉमी का हिस्सा जितना भी होगा, उसके बाद आप पेपर थर्ड में यहां भी पढ़ रहे हैं, और ये दोनों ठीक पढ़ लिए तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें डेटा वाला पार्ट ऐड होगा। मीनिंग क्लियर हुआ? तो फिर से पूछ लेते हैं, पहले पेपर 6 पढ़े या पेपर 3? पहले पेपर 3 पढ़ना। ये तो सवाल था मेरा कि क्या पढ़ना चाहिए, मैंने आपको तीन सवाल का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन था कि क्या पढ़ना चाहिए, तो इसका निर्धारण कैसे हुआ भाई? अब अगला सवाल बनता है कि क्यों पढ़ना चाहिए, ये पेपर 3 या प्रीलिम्स का सिलेबस क्यों पढ़ना जरूरी है? अब क्यों का जवाब देखते हैं। आप बताएं कौन सी चीज आपको ज्यादा पढ़नी होती है, कौन सी कम पढ़ना है, किस पर ज्यादा टाइम खर्च करना है, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? जब आप ये देख लेंगे कि कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है, होता है कि नहीं ऐसा, और कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है, इसका जवाब हम यहां से निकालते हैं। देखें ये प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में हमने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिए कि 2012 में इकोनॉमी वाले पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं 100। 2023 में लगभग 17 क्वेश्चन आए, इस तरीके से चलेंगे, कभी 18 क्वेश्चन भी हैं तो कभी 11 भी रह गए, कभी 29 भी आए हैं। कौन सा पेपर पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसका जवाब मिल गया, और आपको प्रीलिम्स में कितने सारे खंड पढ़ने हैं इसका जवाब मिल गया, इकोनॉमी पर कितना टाइम देना है इसका जवाब मिल गया। कैसे मिला मुझे जवाब, मैंने क्या देखा, प्रश्नों की संख्या। जवाब देना, क्या पढ़ना इसका आधार क्या था, सिलेबस, क्यों पढ़ना है ये हिस्सा, इसका आधार क्या, प्रश्न कितने आ रहे हैं उनका कितना वेटेज है। जैसे एवरेज देखोगे
तो पेपर जो इकोनॉमी वाला पार्ट है करीब करीब 15% 100 में से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में इकोनॉमी के आ जाते हैं। इस बार का पेपर देखा आइए इसका जवाब दो। देखा 40 के आसपास लगभग अगर जिसके क्वेश्चन सही हैं जनरल कैटेगरी में उसने प्रीलिम्स पास कर लिया है। कितने क्वेश्चन 100 में से 40। मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन तो केवल इकोनॉमी के आ जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितने मुश्किल प्रश्न होते होंगे कि 40 भी कट ऑफ जा रही है। तो प्रश्न मुश्किल है या प्रश्नों की प्रकृति ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ये तो था कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसी चीज को मैंने मेंस में ले लिया। मेंस का जो ये सिलेबस था अब मैं यूपीएससी के नाम से दिखा रहा हूं आपको केवल यूपीएससी का सिलेबस। ये तो अब क्लियर हो गया कि यही सिलेबस यूपीपीसीएस के पेपर थर्ड में बोलो। ये जो पेपर है ये पूरा सिलेबस मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। हम जब पढ़ेंगे तो दो पार्ट में। ये दो पार्ट कौन कौन से? एक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, और दूसरा गैर कृषि क्षेत्र। कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में क्या क्या है जरा यहां से देखते हैं। ये नाम लिखा है, क्या नाम है पढ़ो बताओ, ये क्या है, कृषि क्षेत्र या गैर कृषि? गैर कृषि। लेकिन यहां पे नाम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, ये कौन सा पार्ट हुआ? कृषि क्षेत्र। मैंने पूरे सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र, और लगभग लगभग 60-70% के आसपास कृषि क्षेत्र है। कौन सा सिलेबस है? प्री या मेंस? और बाकी जो 30% के आसपास बचा, 30-35% वो गैर कृषि क्षेत्र है। लेकिन मेंस का जो कंटेंट है वो तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने कोर इकोनॉमी पढ़ ली हो। कोर इकोनॉमी में क्या क्या आता है जरा उसको भी समझेंगे। कोर इकोनॉमी में पढ़ना क्या क्या वो देखेंगे। लेकिन पहले अब आप लोग ये समझ जाओ ये जो मेंस का पार्ट है इसमें हमारी वेटेज कितना है। जीएस पेपर थ्री में क्या क्या है देखें, क्या क्या है भाई हमारे सब्जेक्ट में पेपर थ्री में? इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट। सारा मिला दें तो 2015 में 50% क्वेश्चन किसके थे? तो मैं इसको ऐसे कह दूं कितने नंबर बन गए ये? 250 नंबर क्या ना पूरा पेपर, कितने नंबर बने? कभी यहां पर 44% क्वेश्चन भी है, कभी ऐसा भी हुआ है कि 46% रह गए, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि 55% क्वेश्चन पहुंच गए। यानी मैं आपको ओवरऑल कहूं तो लगभग लगभग 125 एवरेज बोल रहा हूं मैं, 50% क्वेश्चन पेपर थ्री में किसके आ रहे? इकोनॉमी के। उसी चीज को मैं ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। 2015 में इकोनॉमी 125 नंबर की थी, 2016 में इकोनॉमी 137.5। तो इकोनॉमी का वेटेज कितना इसका जवाब मिल गया। मैंने आपसे कहा था दूसरा हिस्सा क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कि लगभग 50% पेपर कहां से बन रहा है? इकोनॉमी से। लेकिन क्या ये 50% ही है? जरा ठीक से चेक करते हैं। अब आप लोग अपनी मैथमेटिक्स लगा देना साथ में कि कितने नंबर के प्रश्न बनने चाहिए। पेपर थर्ड जीएस का पेपर थर्ड कितने मार्क्स हुए? हाँ जी मेंस कितने नंबर का आया इकोनॉमी का हिस्सा? 125 नंबर का, ठीक लिखा है मैंने? अगेन यूपीपीसीएस का मेंस पेपर थर्ड कितने नंबर का है? पूरा पेपर कितने नंबर का? 200। पेपर थर्ड की पूछ रहा हूँ कितने नंबर का? इसमें लगभग लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 से 110। हाँ इधर ये पेपर कितने नंबर का? 200। इसमें भी लगभग 100 से 110 नंबर का क्वेश्चन, टोटल जोड़ दो। समझ आया कि 450-450 के आसपास इकोनॉमी का रोल है। कौन सा हिस्सा चल रहा है? प्री या मेंस? मार्क्स किसके जुड़ते हैं, प्री के मेंस के? प्रीलिम्स में तो सब में 15-20% के आसपास रहेगा, कभी 15 क्वेश्चन आ गए तो कभी 29 भी आ गए। मेंस में 450 नंबर का ही काउंट कर लिया। आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इससे ना पढ़ने का मन करेगा कि अरे इंपॉर्टेंट है, इतना हिस्सा आता है। अभी अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि इकोनॉमी का एक ही सवाल आता है मेंस में तो आप कहोगे सर छोड़ देते हैं, इसकी क्लास अटेंड करके भी क्या करेंगे। सही बात है, यूनिवर्सिटी में भी तो ऐसे ही करते थे, जिस हिस्से से कम क्वेश्चन आते थे नहीं पढ़ते थे। बताओ यहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन कितना मिला? लगभग 450। अब आगे पढ़ते हैं, इसी में निबंध भी आ रहा है। आप बताओ एक पेपर निबंध का है कितने नंबर का? निबंध है 250। यूपीएससी में निबंध कितने नंबर का? 250 के दो हिस्से, निबंध दो पार्ट में आता है। 125 नंबर का एक निबंध है, फिर 125 नंबर का एक और निबंध है।
प्रीवियस 10 साल के निबंध चेक करो, जो बातें मैं बोल रहा हूं वो प्रीवियस क्वेश्चन उसका आधार है। पिछले 10 साल के पेपर चेक करो तो यहां पर एक निबंध इकोनॉमी का है, निबंध के 3-4 ऑप्शन देता है वो अथवा अथवा करके, उनमें से कोई एक निबंध होगा जो किससे रिलेटेड, कितने नंबर का हुआ, 125 नंबर का। अगर आपने जीएस में इकोनॉमी को अच्छे से समझ लिया, आपकी कोर इकोनॉमी पर अच्छे से कमांड है, आप शब्दावली को अच्छे से समझते हो, तो आप इस निबंध को अटेम्प्ट कर सकते हो। निबंध की अलग से जो क्लासेज होती हैं उसमें बस ये सिखाया जाता है कि निबंध लिखना कैसे है, कौन सी कोटेशन यूज करें, मार्क्स की कोटेशन डालें कि गांधी जी की, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा या अरस्तू ने, लेकिन निबंध में जो कंटेंट आएगा वो जीएस का ही होता है। मेरी बात समझ रहे, ये जो सिलेबस आप देख रहे हो उसमें से एक हिस्सा यहाँ पर इकोनॉमी में काम आया, और यही मामला रुकता नहीं है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे मेंस की, तो आप अपीयर होंगे किसमें, हर साल इंटरव्यू, यूपीएससी के हिसाब से बता रहा हूं, हर साल इंटरव्यू लगभग मार्च के आसपास चल रहा होता, फरवरी मार्च, और पिछले 5-6 साल से सरकार 1 फरवरी को संसद में बजट प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत होता है, और ये भी आप सब लोग समझते हैं कि बजट जब संसद में आएगा तो हंगामा तो होगा, विपक्षी पार्टी हंगामा तो करती है, उनकी अपनी डिमांड रहती है कि आपने ये गलत किया, सही किया, करना भी चाहिए, लोकतंत्र है। और विपक्ष जब उस पर हंगामा करेगा तो फ्रंट पेज में अखबार में बन के आता है, जिसको इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, अच्छा संसद में आजकल हंगामा हो रहा है जीएसटी पर, ये जीएसटी क्या है, क्या आपको लगता है जीएसटी ठीक रहा, आपको नहीं लगता जीएसटी आने के बाद इकोनॉमी को नुकसान हुआ। अब आप ईमानदारी से बताओ, इंटरव्यू की तैयारी के समय आप जीएसटी पढ़ते हो, बोलो जीएसटी कहां पढ़ा आपने, जब आपने कोचिंग करी और जीएस पढ़ा तभी जीएसटी पढ़ लिया होगा। तो समस्या क्या है, ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सी चीज कब कितनी काम आएगी। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे ये जो सिलेबस दिया ये क्यों पढ़ना है। कुछ लोग केवल ये मान लेते हैं सर ये तो मेंस का सिलेबस है, मैं तो ये मान के चलता हूँ केवल मेंस नहीं इंटरव्यू है। सब लोग बताना आंसर, जब किसानों का आंदोलन चल रहा होगा, आज से 2-2.5 साल पहले चला था ना आंदोलन, उसमें मेन मुद्दा था एमएसपी, था कि नहीं, इमेजिन करो आप कल्पनाओं में चलो, उस समय यदि कोई व्यक्ति आईएएस का इंटरव्यू देने गया होगा तो निश्चित रूप से उससे सवाल पूछा गया होगा, आप बताइए किसानों की मांग जायज है कि नहीं, आप बताइए सरकार को क्या करना चाहिए, आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे तो ऐसे मुद्दों को कैसे सुलझाओगे, बताओ ये सवाल इंटरव्यू के हैं कि नहीं। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास जानकारी हो कि एमएसपी आखिर होता क्या है, और एमएसपी होता क्या है इसका जवाब कब पढ़ा उसने, मेंस की क्लास में। तो मेरा कहने का मतलब है एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलो, एक इंटरलिंकिंग के अप्रोच लेके चलो, जो प्री में पढ़ाया जाएगा वो मेंस लिखने में काम आएगा, जो मेंस में पढ़ोगे वो इंटरव्यू में बोलने में काम आएगा। बात समझ रहे क्रम, तो कौन सी चीज क्यों पढ़नी है इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई में मोटिवेशन ही नहीं रहता है। यूपीएससी की तैयारी ना थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, 1.5 साल कोचिंग में लग जाता है, सिलेबस इतना बड़ा है, फिर एग्जाम देने की प्रोसेस है, एक आध बार पीटी पास नहीं हुआ तो प्रक्रिया और लंबी हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में समय समय पर व्यक्ति कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है, अरे बस सब हो गया तैयारी, अब नहीं कर सकते, थक गया, थक ही जाएगा इतने समय से पढ़ रहा, और ऊपर से समाज का प्रेशर बहुत रहता, बेटा कब बनोगे आईएएस, बार बार लोग आ रहे हैं पूछने, समझ रहे कौन लोग होते हैं, जाने तो बाद में समझना, और घर के लोग भी जवाब नहीं दे पाते अभी क्या बताएं, अभी तो पढ़ रहा है। तो ये जो समाज का प्रेशर है ये आपको कभी कभी डिमोटिवेट करता है, तो फिर सवाल बनता है मोटिवेशन के लिए क्या किसी बाबा को सुने बैठ के, मोटिवेशन के लिए आपके पास हो कौन सा पेपर कितने नंबर का और क्यों पढ़ना। अगर आपको ये रहेगा ना, अरे ये चीज 500 नंबर की पढ़ लेते हैं काम आएगा, ऑटोमेटिक पढ़ लेते हो, और अदरवाइज अगर आपको ये लगे कि ये चीज कम, बहुत मार्क्स ही कम है, तो ऑटोमेटिकली उस पर ध्यान कम हो जाता है। दो बातों के जवाब मैंने आपको दिए, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना। अब बात करते हैं कैसे पढ़ना। ये जो सारा सिलेबस मैंने आपको दिखाया, अब ये पढ़ना कैसे है, मैंने सिलेबस को रीडिफाइन कर दिया है, यानी सिलेबस को मैंने अपने तरीके से तोड़ दिया है। अब जरा सिलेबस समझते हैं।
जो प्री का सिलेबस मैंने आपको दिखाया था जिसमें था सतत विकास, दोबारा दिखाऊं, ध्यान आया सिलेबस, गरीबी समावेशन जनसांख्यिकी सतत विकास लिखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि अगर केवल उसी सिलेबस को पढ़ा दिया जाए तो प्री पास कभी ना हो। पिछले 10 साल के पेपर को देख करके आइडिया लगता है कि प्री के सिलेबस में करीब करीब 50% क्वेश्चन आते हैं। कहां से? बैंकिंग से। बैंकिंग से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी अगर 15 सवाल प्रीलिम्स में आए हैं तो करीब 7-8 सवाल तो केवल और केवल। अब ध्यान दो, 15 मिनट में ले आपको मैंने सिलेबस दिखाया, बताओ बैंकिंग सिलेबस में कहीं था? कहीं है ही नहीं। तो सवाल बनता है फिर बैंकिंग के क्वेश्चन क्यों आ गए? यूपीएससी कहता है मैंने तो आधी लिख दिया था, कुछ ही पूछो। आर्थिक सामाजिक विकास लिखा था, बहुत व्यापक शब्द है। उस सिलेबस को हमें रीडिफाइन करना पड़ता, तो मैंने उस सिलेबस को पुनः डिफाइन किया और ये हमारी इकोनॉमी का कोर हिस्सा है, ये कोर इकोनॉमी है हमारी। कोर इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए। अगर बैंकिंग समझ आया तो इन्फ्लेशन समझ आएगा, इन्फ्लेशन समझ आया तो जीडीपी जीएनपी समझ आ जाएगी। जीडीपी जीएनपी का कनेक्शन दूसरे देशों से आयात निर्यात क्या हो रहा है, भारत ने यूएई के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया कल परसों, है ना पेपर में, ये सब यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, आपके सवाल पूछने नहीं पड़ेंगे। पहले रशिया से भी ऑलरेडी चल रहा है, ये समझ आया तो इसको हम बजट से कनेक्ट करेंगे। जो लोक वित्त लिखा है ये एक्चुअल में बजट वाला टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक का सही और व्यापक नाम क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे काम होता है इसमें। ये प्लानिंग, कैपिटल मार्केट जिसमें आप शेयर बाजार पढ़ोगे, और थोड़ा सा हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना, ये मैंने कोर इकोनॉमी वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में सिलेबस को बांट दिया। एक कोर इकोनॉमी पढ़ेंगे और दूसरा हिस्सा जो मैंने अभी मेंस का सिलेबस दिखाया था, मेंस के सिलेबस में मैंने आपसे कहा था कृषि क्षेत्र और गैर कृषि, मेंस का सिलेबस ऐसे डिवाइड कर दिया। सेंटेंस बोल रहा हूं मैं जब आपको कृषि पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे शब्द यूज कर सकता हूं, और आपने शायद अखबारों में सुने होंगे पढ़े होंगे कभी, देखें कि कृषि क्षेत्र में अगर सरकार निम्नलिखित सुधार कर दे तो इससे भारत की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। किसमें वृद्धि? अब ये तो कृषि टॉपिक तो चल रहा है, कहां पर? मेंस में, प्री में, बोलो, ये तो मेंस में चल रहा है, लेकिन मैंने लाइन क्या यूज कर ली, इससे ऐसा करने से देश की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। तो आप बताओ इस कृषि को पढ़ने के लिए पहले ये पता होना चाहिए क्या जीडीपी क्या होती है? मैं जब कृषि पढ़ाऊंगा तो आप में से कोई ये ना पूछे मुझसे कि जीडीपी होता क्या, इसलिए मैं पहले जीडीपी पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको कोर इकोनॉमी वाला हिस्सा पढ़ा दूं। इस कोर इकोनॉमी में यहां जीडीपी आ जाएगा, ये पढ़ लोगे तब मैं कृषि पढ़ाऊं तो कोई सवाल नहीं है, सब तुरंत समझ में आता जाएगा। तो बताएं मेंस लिखने के लिए कोर इकोनॉमी का हिस्सा जानना बहुत, दूसरे शब्दों में मेंस लिखने के लिए कोर इकोनॉमी के शब्दों को जोड़ोगे तो सेंटेंस बनेंगे, समझ आया? कृषि क्षेत्र में अगर ऐसा ऐसा कर लिया जाए तो इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब मुद्रास्फीति पढ़ा हुआ हो तब तो लिखेगा, एमएसपी अगर बढ़ जाएगा तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, तो मुद्रास्फीति पहले पढ़ा हुआ, एमएसपी बाद में, मेरी बात समझे? तो पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है सिलेबस को देख करके डिफाइन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके डिफाइन करो। हमने अपने सिलेबस को ऐसे तोड़ दिया, यानी आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, मीनिंग क्लियर? मैंने आपको एक अपना रोड मैप बता दिया कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मेरा सब्जेक्ट ना पूरी तरह से टेक्निकल है, और एडम स्मिथ का नाम सबने सुना होगा, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को साइंस बोला है, उसने परिभाषा दी है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। साइंस में हर चीज का कारण होता है, स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होगा तो उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, यहां भी ऐसे ही है। आज ये क्लास अटेंड नहीं करी तो कल की क्लास समझ में नहीं आएगी, कल की क्लास अटेंड नहीं करी तो थर्ड डे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और शुरू के 5-6 दिन की क्लास छोड़ दी तो फिर दूसरा बैच ही ज्वाइन कर लो, इसमें तो दिक्कत आएगी आपको। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, आज की क्लास कल से जुड़ी हुई है, कल की क्लास अगली क्लास से जुड़ी हुई है, इसीलिए एक सलाह है तैयारी करो तो रेगुलर करना, नहीं तो अभी अगर डाउट हो कि अभी सर पढ़ सोच रहे हैं कि तैयारी करें या ना करें तो फिर पहले सोचो, बीच में ब्रेक मत देना, मेरी बात समझ आए? बीच में ब्रेक नहीं, अभी आपको सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, और किसी ने सोच लिया कि सर नहीं मैंने तो एडमिशन ले लिया मैं तैयारी करूं तो अच्छी बात है, बस क्लास बीच में मिस नहीं करना।
लेकिन आप लोगों को तो काफी सुविधाएं दी हुई है, दिल्ली की तुलना में आपके लिए बहुत सुविधाएं ज्यादा है यहाँ पर। दिल्ली में क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको हम रिकॉर्डेड क्लास नहीं देते थे, आपको यहाँ पर क्लास में पढ़ रहे हो फिर भी उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, पता है कि नहीं बात। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी साथ साथ मिल जा रही है, और वो रिकॉर्डेड क्लास आप कैसे देख सकते हो, तो इसमें मेरे पास कुछ ऐप की स्लाइड है, जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहेगा। संस्कृति आईएएस की आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी हो तो कर लेना, इसी के माध्यम से आप ये देखेंगे। प्ले स्टोर पर ऐप है, आपको मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड से इसको लॉगिन करो। जैसे लॉगिन करोगे तो ये इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे ये लिखे हैं क्लासरूम प्रोग्राम लाइव कोर्स और अदर कुछ बैच के नाम आते रहते हैं। स्टोर माय सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, माय सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे दो बैच दिखेंगे। जो बैच आपने ज्वाइन किया होगा उसका नाम प्रयागराज उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आपको यहाँ से दो बैच की सुविधा एक साथ दी जा रही है सेम फीस में, ये आपको पहले से जानकारी होगी, लेकिन टेक्निकल बात है इसीलिए जस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरी आई थी सर ये कैसे होगा। आपने प्रयागराज वाले बैच को क्लिक किया तो जो बैच में अभी आज आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये फिलहाल पहले वाले बैच की जो सुबह जो बैच चल रहा है उसमें साइंस और ज्योग्राफी की क्लास यहाँ रिकॉर्डेड रखी हुई है। आपको वीडियो रिकॉर्डेड देखने की सुविधा है, कितनी बार? दो बार। कितने साल तक? 3 साल तक आप वीडियोज को 2 बार अधिकतम 2 बार देख सकते हो। कौन सा बैच? जो अभी आप पढ़ रहे हो, जिस बैच में अभी आप बैठे हो। लेकिन कभी कभी ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं सर हमें ये थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी बड़ी लंबी चलेगी, हमारे पास उतना समय नहीं है, हम चाह रहे हैं हम जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लें। तो करो, उसका तरीका दे दिया। दिल्ली में सुबह 11:30 बजे एक बैच चल रहा है, अभी शुरू हुआ है 12 तारीख को, उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पे दी हुई है। ये देखें दिल्ली प्लस प्रयागराज लिखा है, आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास चल रही है, इधर इकोनॉमी चलेगा इधर आपकी हिस्ट्री चलेगा, पढ़ो एक बार में 2 क्लास। लेकिन ये 2 क्लास हम सजेशन नहीं देते कि आप पढ़ो, परंतु कुछ लोग कहते सर अगर आप हमें दे दो हम पढ़ लेंगे, हमारी क्षमता ज्यादा है, तो आप पढ़ सकते तो पढ़ो। आप बताओ भी अगर आपको यहीं पे 2 क्लास पढ़ाती है तो 8 घंटे पढ़ाना पड़ता, उसके बाद घर पे रिविजन करने के लिए समय बिल्कुल नहीं बचता। आपको यहाँ पे 4 घंटे की क्लास मिलेगी, दिल्ली में क्लास 2.5 घंटे की रहती है, यहाँ पे 4 घंटे के समय इसीलिए ज़्यादा मांगा गया कि स्टूडेंट चाहता है कि सर हम आए तो थोड़ा सिलेबस भी हो, और दिल्ली की फैकल्टी से अगर आप लगातार पढ़ना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए थोड़ा सा समय 1.5 घंटा बढ़ा दिया गया। बीच में 5-10 मिनट का हम ब्रेक ले लेंगे एक, और उस ब्रेक के माध्यम से रेगुलर क्लास चलती रहेगी। तो आप लोग अब 2 क्लास एक साथ अटेंड कर सकते हो, एक जो भी आप बैठे हो यहाँ पर फेस टू फेस, दूसरी रिकॉर्डेड मोड में, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग चलता रहेगा। लेकिन अगली लाइन ध्यान से सुने, अगर आप में से कोई इस क्लास को नहीं भी देख रहा तो ये चिंता मत करना सर हमारी हिस्ट्री की क्लास छूट गई, कि यहाँ हिस्ट्री की क्लास अलग से होगी। मीनिंग क्लियर हो रहा है? ये तो मैंने उनके लिए बताया है जिनको बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बस थोड़ी सी सर्वर की कॉस्ट बढ़ जाती है। आप देखो जितनी बार देख सकते 2 बार देखोगे यहाँ भी, तो ये उनके लिए जिनको जल्दी सिलेबस खत्म करना हो। और फिर आगे ऑप्शन होता है इसी में कौन सी क्लास देखनी है, क्लास नंबर आ जाता है, वीडियो नंबर आ जाते हैं, और कौन सी क्लास कितने टाइम की है, यहाँ पे उनका क्वालिटी आ जाती है वीडियो की क्वालिटी, कि आप कौन सी क्वालिटी में वीडियो देखना चाह रहे हो। उतना तो आप लोगों को आइडिया हो गई क्योंकि आपने संस्कृति की ऐप कभी यूज करी हो या ना करी हो, नेटफ्लिक्स तो जरूर यूज करा होगा, हाँ कि नहीं? तो वो सब आपको पता है, सारी एप्लीकेशन में कैसे कैसे वीडियो चलते हैं। हम लोग तो इसमें लेट हो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी है कि अमेज़न प्राइम पर कौन सा वीडियो कहाँ मिलेगा वगैरह वगैरह। मुस्कुराओ नहीं, मैं एंटरटेनमेंट की ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आगे सुनते हैं। मैंने आपको 2 बातों के जवाब दिए, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना। अब बात आती है कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, मैंने सिलेबस को एक बार तो रीडिफाइन करके दिखा दिया। आप लोग जब यहाँ पढ़ाई करोगे तो एक तो आपके पास क्लास नोट्स होंगे जो मैं लिखवाऊंगा मेरी क्लास में, ऐसी बाकी टीचर भी अपनी अपनी क्लासेस में लिखवाएंगे। उसके अलावा यहाँ से कुछ आपको प्रिंटेड नोट्स मिले हैं, मिले प्रिंटेड नोट्स, एक बॉक्स पूरा भर के मिला है, काफी सारी उसमें बुकलेट दे दी गई है, देखिए वो बुकलेट आपको पढ़नी है। लेकिन कैसे पढ़नी है मैं उनका तरीका शुरुआत में बता देता हूँ। ऐसी बुकलेट है, इकोनॉमी की कितनी बुकलेट मिली, जैसे लिखा है भाग 1, भाग 1 में इंट्रोडक्शन है,
बैंकिंग है और तीसरा टॉपिक मुद्रास्फीति है। भाग दो, इसमें राष्ट्रीय आय, भुगतान संतुलन, लोक वित्त और नई आर्थिक नीति, इस तरीके से टॉपिक डिफाइन है। ऐसी टोटल आपके पास कितनी बुकलेट मिली? 5। आप लोग जब पढ़ाई करोगे तो कैसे पढ़ना, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। जो बातें हम आज डिस्कस कर रहे हैं मैं इनको कभी रिपीट नहीं करूंगा, मैं अपने सिलेबस को पढ़ाऊंगा आपको। ये तो चूंकि डे वन आपकी पहले दिन की क्लास है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बता दें कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन ये बातें बार बार बता के मैं आपको बोर करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिलेबस को पढ़ाने में इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ। और आप बताओ भी, आप भी बार बार यही सेम चीज़ थोड़ी सुनना चाहो कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना, बोलो। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इस बात को, इसीलिए कभी भी आपको दोबारा जानना हो सर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कैसे पढ़ाई करूँ, ये वीडियो आपकी ऐप में रहेगा, आप इसको देख सकते हो आराम से दोबारा सुनने का मन करे तो, अन्यथा दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, दिमाग में रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके मैं नोट्स लिखा दूंगा। मेरा पढ़ने पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हर टीचर की अलग अलग तरीके होते हैं। मैं जितना पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों से बोल करके पूछता रहूंगा कि समझ आ रहा है कि नहीं, और आप साथ साथ जवाब देते रहोगे ना तो अभी टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। टू वे कम्युनिकेशन समझ रहे, कुछ मैंने पूछा, कुछ आपने जवाब दिया, कुछ आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, उससे क्लास लाइव भी रहती है, आप कभी बोर भी नहीं होते और आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। हो सकता है आप में से 90% लोग इस सब्जेक्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, कोई साइंस से पढ़ा है, किसी ने आर्ट्स लिया तो उसमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया। मुझे आप सबको पढ़ाना है और बराबर स्पीड से, बराबर क्षमता से आपका नॉलेज डेवलप करना है, तो वो कम्युनिकेशन टू वे चले तो अच्छा रहता है। जब हम पहले टॉपिक को समझ लेंगे, समझने के बाद हम क्लास में नोट्स लिख लेंगे। जो नोट्स लिखेंगे उसमें कभी कभी कुछ तथ्य हम क्लास में जानबूझ के छोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मान लो मैं आपको क्लास में बैंकिंग पढ़ा रहा हूं, एग्जांपल के लिए मैंने आपको बैंकिंग में काफी कुछ बताया और बीच में नाम ले लिया। एक संस्था है जिसका नाम है NPCI, इसने UPI का पेमेंट डेवलप किया है। UPI पेमेंट करते हैं आप सब लोग, तो UPI वाला सिस्टम डेवलप किसने किया? मैंने बस क्लास में नाम ले लिया, आज आपको नोट्स में लिखा दिया कि बैंकिंग है, इसमें NPCI की भूमिका होती है। अब NPCI क्या है, इसमें सदस्य कौन है, ये कैसे काम करता है, ये संस्था है, बताओ इसके बारे में जो जानकारी है वो फिक्स है, फैक्ट है कि नहीं? ये बदलेगी जानकारी नहीं, ये जानकारी अब आपको कहां से पढ़ लेनी है? साथ साथ प्रिंटेड बुकलेट से, जो आपको प्रिंटेड बुकलेट मैंने भी 5 दिखाई थी उनमें से किसी एक बुकलेट में इसकी जानकारी दे रखी है। इस तथ्य को आपको लगा नहीं सर अगर ये जानकारी आप लिखा देते तो बेहतर रहता, तो मैंने कहा मैंने लिखाने का समय बचा लिया, समझ लिया आपने क्लास में, अब इस जानकारी को आपको अच्छा लग रहा है तो प्रिंटेड बुकलेट खोलो उसमें से इसको पढ़ो, और अगर आपको लग रहा है ये जरूरी है तो वहां से या तो लिख लो इस नोट्स के साथ या इस हिस्से को, पेज को फाड़ करके यहाँ पे चिपका लो। मेरी बात समझे? देखना कंक्लूजन क्या निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसका। आपके पास एक कॉपी बन गई आपकी नोट्स की, ये आपके नोट्स हैं, यहाँ कहीं आपने बैंकिंग की जानकारी लिखी थी अपने नोट्स में, क्लास में टीचर ने लिखवा दी, अगर यहीं पर आपने एक छोटे से पेज में एक चिट्ठी में लिख करके NPCI यहीं लिख लिया, अब आप बताओ भविष्य में कभी दोबारा इस प्रिंटेड बुकलेट को पढ़ना है? बोलो, अब आपकी एक कॉपी तैयार होगी जो वही प्रिंटेड नोट्स है और वही क्लास नोट्स, दोबारा कभी अब प्रिंटेड बुकलेट को पढ़ने की आवश्यकता? आप में से किसी ने अगर प्रिलिम्स दिया हो तो ज्यादा बेहतर समझेगा, और नहीं दिया हो किसी ने तो जिन्होंने दिया उनसे जरूर बात करना। असफल व्यक्ति से बात करके ना आपको पता चलेगा रास्ते में कितने रोड़े आते हैं, कोई गाड़ी आगे जा रही होती है ना तो हम उसको देख करके पीछे गाड़ी चलाते हैं कि आगे वाली गाड़ी को जंप आया इसका मतलब ब्रेकर है वहां पर, बताओ नाइट ड्राइविंग में काम आता है, मेरी बात समझ रहे सब लोग? तो आगे जो गाड़ी चल रही है ना, यानी जो व्यक्ति एग्जाम दे चुका है या जिस व्यक्ति ने एग्जाम देने के प्रयास किए उससे पूछोगे तो क्या बोलता है, कह रहा है भाई देखो ऐसा है जब मई में पेपर होता है PT का तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि रिवीजन कैसे करें, और रिवीजन कैसे करें इसकी तकलीफ ज़्यादा क्यों है? टीचर के पास जाता है तो टीचर बता देता है नोट्स पढ़ लो क्लास के, प्रिंटेड नोट्स पढ़ लो, मंथली जो मैगजीन आती है वो पढ़ लेना,
अब स्टूडेंट कहता है सर टाइम मेरे पास कम है, आपने इतनी सारी जानकारी दे दी, एनसीईआरटी अलग से पढ़ लेना, हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है वो बताओ भाई, क्योंकि उसके पास समय कम है। इसको ये सब काम करने कब करना था, जब ये तैयारी कर रहा था। आप लोग जब क्लास नोट्स पढ़ोगे उसके साथ साथ प्रिंटेड नोट्स को ऐड कर लो क्लास नोट्स में, जो महीने की मैगजीन आती है या डेली का न्यूज़पेपर आता है, इसमें से कुछ जानकारी मिली इसको नोट्स में ऐड करते जाओ। आप फाइनल देखना क्या कंक्लूजन निकला, एक कॉपी बन गई, उसमें क्या क्या है बोलो, क्लास नोट्स है, उसी में न्यूज़ भी है, उसी में मैगजीन भी है, उसी में एनसीईआरटी का कंटेंट भी कुछ जरूरी था तो उसी में। तो समस्या का फायदा क्या निकला, साइकोलॉजिकल एक दिमाग में हल्का हो गया दिमाग। कोई पूछे इकोनॉमी की तैयारी होगी, बोलो कुछ नहीं एक ही कॉपी है रिविजन कर लेंगे, इसमें क्या है। और एक दूसरे से पूछो, वो कह रहा अरे चिंता बहुत हो रही है इकोनॉमी की, पूछा क्या हो गया, कह रहा अरे इतना कुछ बता दिया, क्लास नोट्स पढ़ो, प्रिंटेड नोट्स पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा, समय है नहीं, ज्योग्राफी भी तो रिवाइज करना है। आप बताओ समस्या किसकी, साइकोलॉजिकल समस्या। और मैं आपसे कह रहा हूं कि साइकोलॉजिकल समस्या का पहले ही उपाय कर लो। उपाय क्या था, सारे कंटेंट को एक साथ इकट्ठा करते जाओ, लेकिन ये लगातार करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट जो कि प्रीलिम्स देने जा रहा है, दिसंबर के बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, दिसंबर से और मई जून का जब प्रीलिम्स होता है, सर करंट अफेयर कहां से पढ़े। हमारे सर हमारे पास ना हर साल इस पूरे अवधि में अधिकांश विद्यार्थी आते हैं मिलने के लिए, सर आपसे मिलना था 5 मिनट काम। मैंने कहा बताओ क्या हुआ, एक ही सवाल होता है सबका, सबको करंट लग रहा होता है उसमें, और ये भी 440 है, बहुत तेज झटका आता है। उनको दिक्कत क्या हो रही है, सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। और लगभग हर बैच में हमने ये बात बताई होती है कि आपको करंट कैसे तैयार करना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति लगातार इसकी तैयारी नहीं कर पाता, वो छोड़ देते हैं कब, जब प्री देंगे तब करंट अफेयर तैयार करेंगे। आप बताओ भाई यूपीएससी में जो करंट अफेयर आता है, पेपर देखा है कि नहीं आपने, वो 2 महीने पुराना ही केवल नहीं होता, रशिया यूक्रेन का मुद्दा 1.5 साल से चल रहा है, वो आज भी करंट अफेयर है यूपीएससी के लिए, बोलो है कि नहीं। तो केवल यूपीएससी के लिए करंट अफेयर ये नहीं कि कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, उसका नाम पूछेगा आपसे, नहीं, आप लोगों को टॉपिक के हिसाब से उस करंट अफेयर को चेंज अपडेट करते जाना चाहिए। तो क्या करें, फिर दोबारा देखो, ये आपके नोट्स की कॉपी, इसमें कर क्लास नोट्स टीचर ने लिखवाए, प्रिंटेड नोट्स को एक बार पढ़ के ऐड कर लिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन को मंथली पढ़ते गए, जो जो काम का हिस्सा लगा ऐड करते गए, एनसीईआरटी एक बार पढ़ी, एक बार जस्ट ऐसी रीडिंग लगाई, दूसरी बार पढ़ी, लगा काम का कुछ एक दो पैराग्राफ मिल गया है, ऐड कर लिया। 99% आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा, टीचर ने ऑलरेडी ऐड कर रखा हुआ होता है, बट फिर भी आपको लगा नहीं सर मुझे लगा 2 लाइन और काम के, कोई बात नहीं लिख लो। तो मैंने क्या कर दिया, 5-6 सोर्स को मिला के कंपाइल कर दिया, एक बुक बन गई जिसका नाम आपके क्लास नोट्स है। अब साल भर के बाद अपने किसी विद्यार्थी अपने किसी साथी से ना तुलना करना, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में होगा, मुझे चिंता हो रही है प्रीलिम्स इस बार होना नहीं है, टाइम कम पड़ रहा है, हिस्ट्री में 5 नोट्स कॉपी हैं, ज्योग्राफी में 3 कॉपी हैं, इकोनॉमी में 4 कॉपी हैं, कौन रिवीजन करेगा, पोथियां इकट्ठी हो जाती हैं और डर लगता है एग्जाम देख करके। हर साल लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, लेकिन एग्जाम देने 12 लाख नहीं जाते, लगभग आधे, ये बाकी आधे कहाँ चले गए, इन्होंने शौक में फॉर्म भर दिया था, बाकी आधे एग्जाम देने क्यों नहीं गए पता आपको, डर जाते हैं अचानक से। जैसे मान लो 28 मई को प्री था इस बार, तो 3-4 दिन पहले अचानक से उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या है वो दिव्य ज्ञान, तैयारी पूरी हुई नहीं है, छोड़ देते हैं पेपर, अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। और ये तैयारी पूरी तो हुई है, उसने कोचिंग भी कर ली है, ये संभव नहीं आपको उन सबसे मिलवाना, क्योंकि जिसने अभी एग्जाम ही नहीं दिया तो उसको यहाँ मंच पे खड़ा करना ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आपको मेरा बस चले तो आपको सबसे बात करवाऊं, उससे पूछोगे क्यों छोड़ दिया एग्जाम तुमने, कोचिंग तो कर चुके हो, कह रहा सर कोचिंग तो कर लिया लेकिन अब रिवीजन पूरा मैं कर नहीं पाया था, तो उससे पूछा कि रिवीजन क्यों नहीं कर पाया, कह रहा सर बस पता ही नहीं क्या ये हो गया वो हो गया, फिर बहुत बहानों की लिस्ट है उसके पास। एक्चुअल में पता है क्या हुआ, एक्चुअल में ये नोट्स अलग है, प्रिंटेड अलग है, मैगजीन अलग है, और वो सब परेशान है, सब पढ़ूं कैसे, छोड़ दिया एग्जाम। अब आप बताओ
इसकी ये परेशानी तो नेक्स्ट ईयर भी तो रहेगी, क्यों? क्योंकि इसने इनको कंपाइल कब करना था? क्लास में पढ़ने के साथ साथ। तो मेरी सलाह है आपको, हर बैच में शुरू में सलाह दे देते हैं हम। मैंने जैसा पहले कहा, बार बार मैं इन मुद्दों में बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिसने समझना एक ही बार में समझ में आ जाता है। सारी चीज को कंपाइल करें और ये साथ साथ करते जाओगे तो आपको लगेगा सर ये कब हो गया पता ही नहीं चला। और अगर आपने 15 दिन लगातार इसमें गैप दे दिया, फिर कभी दोबारा होता नहीं, इतना कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा कि समस्या हो जाती है। आप लोगों को यहां से जो बॉक्स मिला है, जो बुक्स मिली हैं, उसमें पांचों बुकलेट थी, है पांचों बुकलेट। अब उसके अलावा आगे बात करें, जब भी आप तैयारी करोगे तो जो कुछ आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया या किसी और टीचर ने, वो सफिशियंट है या नहीं, इसका पैमाना क्या है? दो पैमाने। एक पैमाना तो टीचर जो पढ़ाए वो सिलेबस से मिलता जुलता हो, सिलेबस को कवर करते जाए, बोलो सही है नहीं? और दूसरा पैमाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आधार बनाओ, इन प्रश्नों को सॉल्व करो और देखो आपसे कितने परसेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? जो पहले यूपीएससी ने पूछे हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आधार बनाओगे तो आपको लगेगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें जो समझ में आ रहा है क्लास में वो सही में समझ में आ रहा है या बस ऐसी वहम है किसी चीज का। उसका सही आधार क्या है? प्रश्नों को सॉल्व करो। अब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, तो क्वेश्चन बैंक हमने आपको प्रोवाइड करानी है। अभी आपको मिली नहीं होगी शायद, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी। दो क्वेश्चन बैंक इकोनॉमी पर बनवाई है मैंने, एक तो ये है क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, इसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अन्य पीसीएस को भी कवर कर दिया गया है। कौन से प्रश्न है? जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा, ये जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं बताएं, ये रिपीट होंगे? बोलो भाई, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, हर साल सेम सिलेबस से नए क्वेश्चन बनाता है। ये प्रक्रिया वर्षों से लगातार चल रही, वही सिलेबस है, आरबीआई वही क्या, वही आरबीआई है। हर साल आरबीआई का नया क्वेश्चन बना देता और स्टूडेंट कहता पता नहीं कहां से पूछ लिया। इतनी क्षमता है यूपीएससी में, सोचो सारी कोचिंगों के दायरे से बाहर पेपर बना लेता है, सेम सिलेबस से बनाता है, अच्छे से सिलेबस बता दिया, देखो आरबीआई पढ़ना है, फिर भी ऐसा सवाल बनाता है कि आपको लगे अरे पता नहीं सर ये आप लग रहा है आपने पढ़ाया नहीं। और वैसे एक ही काम करता है, और शब्दों का जाल ऐसा बुनता है आपको हर बार लगेगा नया पूछा है। टॉपिक वही है, नॉलेज भी आपकी वही है, बदलते क्या है? शब्द, भाषा। तो आपको पकड़ बनानी है भाषा पर। अब पकड़ बनेगी कैसे बताएं सब लोग, कि क्लास में जो टीचर की पढ़ाने की भाषा है और एग्जाम के क्वेश्चन की जो भाषा, दोनों बोलो भाई अलग अलग होता है। क्लास की भाषा अनौपचारिक होती है, हम समझाने के लिए एग्जाम्पल वगैरह प्रयोग कर लेते हैं, और एग्जाम की भाषा उसमें शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश में लिखा हुआ, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे बताएं आपको किस पर अभ्यास करना चाहिए, केवल क्लास की भाषा पर साथ साथ औपचारिक? तो इसीलिए आपको दिया जा रहा है क्या, क्वेश्चन बैंक। लेकिन ये सॉल्व कर लोगे आप थोड़े दिन बाद, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो फिर सवाल बनता है सर ये तो खत्म हो गया अब क्या करें। तो मैंने उसका एक और उपाय निकाला, 1000 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक बनाइए प्रैक्टिस करने के लिए आपके। ये 1000 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक है, ये आपको मिलेगी, इससे आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तरीका मेरे चलना, देखिए क्या तरीका। जब मैं आपसे क्लास में कहूं कि मैंने बैंकिंग पढ़ा दिया, बैंकिंग टॉपिक खत्म, अब बैंकिंग खत्म हो गया, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहले बैंकिंग के क्वेश्चन इसमें से करने हैं, किसमें से, ये कौन सी है? जब आपसे प्रीवियस ईयर के अधिकांश क्वेश्चन हो जाए, 90% क्वेश्चन हो जाए बैंकिंग के, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए नहीं नहीं लग रहा है समझ में आया है कुछ कुछ, अब करना है प्रैक्टिस सेट में से। अगेन कौन से टॉपिक है, एक निवेदन भी है, सलाह भी, बाकी आपको किसी को अगर अपनी परेशानियां बढ़ानी हो तो आपकी इच्छा है। वो टॉपिक अभी अटेम्प्ट ना करें क्वेश्चन का, जो टॉपिक अभी क्लास में। अब दिक्कत कहां होती है, स्टूडेंट के पास धैर्य नहीं है, पढ़ाया बैंकिंग है, क्वेश्चन करेगा बजट के, और टीचर के पास सर देखना जरा हो नहीं रहा है,
टीचर ने पूछा क्यों नहीं हो रहा, दिखाओ जरा। देखा क्वेश्चन तो बजट का। अब उसे पूछा भी तुम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, बोले सर ऐसे ही बस लगा कि कर लेते हैं। आप अपने आप को खुद डिप्रेशन में ले जाना चाह रहे हो, उसका कोई उपाय थोड़ी। क्या करना चाहिए बोलो भाई, पहले किस टॉपिक के क्वेश्चन करने चाहिए, जो टॉपिक पढ़ा दिया। जब जो टॉपिक पढ़ाए नहीं है उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे तो फिर इसमें चिंता वाली बात क्या, जब पढ़ाए नहीं तो क्वेश्चन कहां से होंगे। बैंकिंग के क्वेश्चन इसमें से करो, बैंकिंग के क्वेश्चन इसमें से करो। टोटल आपसे कितने क्वेश्चन हो गए यहां पे, लगभग 700-800 क्वेश्चन इधर है इकोनॉमी के, 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक ये मिल गई, 1800 क्वेश्चन हो गए बोलो। लेकिन इतने से मेरा काम चलता नहीं। मेरा मानना है कि जितने ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करोगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांस उतने बढ़ जाते हैं। और हिंदी मीडियम की इस समय सबसे बड़ी समस्या है प्रीलिम्स, पीटी पास नहीं हो रहा। 98% स्टूडेंट हिंदी मीडियम में पीटी में अटक जाते हैं, तो मेंस लिखने का कभी मौका मिलता ही नहीं। तो उसने मेंस में जो ऑप्शनल पढ़ लिया है फ्री में, इधर उधर से उसको रिकॉर्डेड मिल गया था, समझ गए, फ्री में मिला है वो आपने, इसीलिए लिया है ऑप्शनल वो, मुझे पता है। तो मेंस कभी लिखने का मौका ही नहीं मिला। उसने एथिक्स की भी कोचिंग कर ली है, वो भी फ्री में मिला उसको, जो कुछ लीक होता है सब फ्री में भाई। वो कभी लिखने का मौका ही नहीं मिला। कब मिलेगा भाई मौका, जब प्रीलिम्स निकलेगा। उसने निबंध की भी क्लास कर ली है, कब लिखेगा, जब मेंस देगा। मेंस देने का कभी नंबर ही नहीं मिला। कहाँ अटका बोलो भाई, अटका कहाँ। और ईमानदारी से सब लोग बताएं, कोचिंग करते समय ढूंढते हैं सर ऑप्शनल कौन सा ले ले, ऑप्शनल की कोचिंग कर लेते हैं। कितने नंबर का ऑप्शनल, 500 नंबर। कब लिखोगे, जब पीटी पास, कभी बस खत्म। मेरी सलाह है पहले पीटी पर फोकस करो, कोर एरिया पढ़ो। जब कोर एरिया पढ़ लो, कॉन्फिडेंस हो जाए, पीटी निकलने की संभावना बन रही हो, उस समय डिसाइड करो कि ऑप्शनल क्या लें और तैयारी कैसे करें। लगभग 1.5 साल 1.5 साल की कोचिंग में से पहले 6 महीने जीएस पढ़ो, फिर डिसाइड करो सर अब ऑप्शनल मैं ले लेता हूँ, ऑप्शनल की तैयारी कर लेता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तब ज़्यादा बेहतर आंसर मिलता है। आपने जो ये पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा था, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करो। इसका तरीका मैंने क्या निकाला, एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, दूसरा प्रैक्टिस सेट। अब तीसरा तरीका, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ये केवल मेरे सब्जेक्ट पे लागू हो रहा है, हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग है, ध्यान रखना। इसलिए दूसरे टीचर से नहीं कहना सर आप भी ऐसा करो, टीचर के नेचर के हिसाब से, सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से वो कर लेंगे। तो मेरा तरीका है जो आज से लागू होगा क्लास में, आज मैं आपको क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कल सुबह, सुबह का मतलब कल शाम को जब आप क्लास में आओगे 5 बजे, तो आप जैसे एंट्री कर रहे होगे आपको हाथ में 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन, ये वो 10 क्वेश्चन होंगे जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया होगा। बताओ कल ये सॉल्व हो जाने चाहिए, कोई इस पे टाइम नहीं है। आप आओ अपनी सीट पे बैठो, जल्दी से प्रश्न सॉल्व करो, और जैसे ही हमें दिखेगा सारे बच्चे लगभग आ गए हैं, 5 बजे का टाइम है, तो लगभग आप 5:00 तक सब आ ही जाते हो, आ जाओगे ना। हम भी डिसिप्लिन में रहते हैं, हमें सिलेबस भी कराना है, तो आप डिसिप्लिन में रहना। 5:00 तक मैं क्लास शुरू कर दूंगा, तो आप जब आओगे 4:45 पे आप आ गए, मान लो कोई 5, कोई 4:50 पे आया, आओ ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट लो, अपनी सीट पे बैठो, चुप करके सॉल्व करो, पड़ोसी से हेल्प मत लो क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाएगा, साथ तो कोई नहीं जाता नहीं, इसलिए पड़ोसी से बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी। इन 10 क्वेश्चन को कर लोगे तो अब मैं आकर के क्लास में इनका डिस्कशन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा डिस्कशन, ये तो मैंने एक दिन पहले पढ़ा है, तो डिस्कस करने का सवाल ही नहीं बनता। अगला क्वेश्चन, इनके आंसर कैसे मिलेंगे, जब आप यहां से वापस जा रहे होगे घर पे, तो आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा क्लास का, बना बनवा देंगे क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा मैनेजमेंट की तरफ से, आपको उस नंबर से मैसेज आ जाएगा कि आपका ये 10 क्वेश्चन थे डे 1 या टेस्ट 1, जो भी नाम दे दें हम इसको, 10 क्वेश्चन आंसर ABCD आंसर मिल गए। अपनी कॉपी चेक कर लो खुद, आज जो टॉपिक पढ़ाया उसके कल 10 क्वेश्चन, कल जो टॉपिक पढ़ाऊंगा परसों उसके 10 क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे 10 दिन लगातार क्लास लूंगा तो कितने क्वेश्चन,
100 क्वेश्चन की तैयारी मैंने साथ में प्रैक्टिस करा दी, 1800 से अलग है, मीनिंग क्लियर। अब मान लो आज 10 दिन पूरे हो गए, मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ वापस, अगला सब्जेक्ट कोई दूसरा चलेगा, लेकिन इस बीच में हम एक दिन की छुट्टी देंगे आपको, एक दिन की छुट्टी, और अगले दिन इकोनॉमी का टेस्ट, 100 क्वेश्चन का एक और टेस्ट। अब वो 100 क्वेश्चन है जो पिछले 10 दिन टॉपिक पढ़े सब का इकट्ठा एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट, कितने हो गए टोटल? तो मैं अगर एक बार आपको पढ़ाने आया 200 क्वेश्चन हो गए, अगर मैंने आपसे ऐसे ही 800-1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी, 1800 क्वेश्चन उधर हो गए, तो लगभग लगभग 3000 क्वेश्चन आपने इकोनॉमी में प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे ही 3000 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस में कर लेना, 15000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपका कोई दोस्त जो पीटी दे चुका हो या दे रहा हो उससे जरूर कहना, पूछना उससे, कहने की बात। लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं भाई, पता है 30000 रुपये फीस देते हैं टेस्ट सीरीज की, और कितने टेस्ट देते हैं वो बता रहा हूँ आगे, 25 टेस्ट होते हैं, कितने टेस्ट, इसमें से इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से 200, 5 फुल टेस्ट हैं। फुल टेस्ट समझते हो सब लोग? फुल टेस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट, आप बताओ सारे सब्जेक्ट आएंगे तो एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन इकोनॉमी के कितने होंगे, 15-20 क्वेश्चन, 5 टेस्ट हैं, 75 क्वेश्चन वो हो गए, और बाकी जो 20 टेस्ट हैं ये सेक्शनल हैं, एक इकोनॉमी का, दूसरा ज्योग्राफी का, तीसरा इकोनॉमी ज्योग्राफी का मिला के, टोटल इकोनॉमी के 200 क्वेश्चन करोगे आप, कितने रुपए दिए, 30000 रुपए अलग दिए, और दिसंबर से लेकर के जून तक ये चलेंगे, 200 क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी के। और मैं आपसे ना तो कोई पैसा मांग रहा हूँ और ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन आप अलग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स पास करना है तो लास्ट में इन प्रश्नों पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, ये घर प्रैक्टिस करो, क्लास में प्रैक्टिस के लिए ये मिल रहा है कि डेली क्वेश्चन करो, आप बताओ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ऐसा अभ्यास करेंगे तो सिलेक्शन की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी, हाँ या नहीं? आप घर पे प्रश्नों को सॉल्व करते हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ जब आओगे और मैं आपके हाथ में जबरदस्ती 10 क्वेश्चन दे दूंगा तो सॉल्व करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इससे ट्राई करके देखना, जो कहीं दूसरी कोचिंग में कोई पढ़ रहा हो, आप अगर संस्कृति में नहीं पढ़ रहे तो आप XYZ में पढ़ रहे हो। फैन बंद कर देना। अगर आप कहीं और कोचिंग पढ़ रहे हो, किसी भी दूसरी कोचिंग में आपका कोई दोस्त पढ़ रहा हो, पक्का होगा हॉस्टल में, पीजी में आपके साथी कोई हो जो कहे कि हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम तो कहीं और पढ़ चुके या पढ़ रहे हैं, उनको बता देना एक बार ऐसा ऐसा करा रहे हैं, ठीक है क्या ये? क्योंकि आपकी नज़र में वो आपका सीनियर है, आपसे पहले कोचिंग कर रहा है ना, उससे पूछना कि ऐसा करा रहे हैं, टेंशन में आ जाएगा। क्योंकि बाकी कोचिंगों में ना तो टीचर कहीं मिल सकता है, मिल सकता है, समझ रहे हो? आपको अगर टीचर से मिलना हो तो उतना ही मुश्किल है जितना किसी सेलिब्रिटी से मिलना। शिक्षा का तरीका ही बदल गया ना। और दूसरा, और आपको अगर कोई डाउट पूछना हो तो टीचर तो अवेलेबल है ही नहीं डाउट के लिए, कि उसके पास समय नहीं है, या तो समय नहीं है या समय देना नहीं चाहते, पता नहीं कारण क्या है। हमारा मानना है कि अगर आपके डाउट ही नहीं बताए तो फिर हम आए किस लिए, मेरी बात क्लियर? तो आप लोगों को निष्कर्ष दे रहा हूं मैं, फिर हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। अब जितना मैंने सिलेबस के बारे में बताना था बता दिया, पढ़ना है क्लास, प्रिंटेड नोट्स, एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में एक लाइन बोल देता हूँ, एनसीईआरटी आपको परचेज करनी है बाजार से, पुरानी एनसीईआरटी 9th, 10th, 11th, 12th में दो एनसीईआरटी आती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी नाम ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि। ये नहीं खरीदना, 1, 2, 3 और 4, 4 एनसीईआरटी खरीदनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके यही एनसीईआरटी आपको बाजार से थोड़ी कम कीमत पर यहाँ पे उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन इसका ये पर्पज़ नहीं है कि हमें उससे कुछ इनकम जनरेट करनी है। जब मैंने बोली दिया बाजार से कम कीमत है तो इनकम जनरेट करने का तो सवाल ही नहीं बनता, बस फायदा इतना सा हो सकता है, आपको बाजार में जाके ढूंढना पड़ेगा सर यही वाली लें कोई और लें, तो उसका जवाब यहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अन्यथा सबसे सरल तरीका आपके लिए क्या है दूसरा, खुद जाओ बाजार से परचेज कर लो, हमें इसमें कोई पैसा नहीं कमाना आपसे,
तीसरा तरीका आप सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर लो। बताओ डाउनलोड जाती है कि नहीं एनसीईआरटी? आपको उसका प्रिंट आउट लेना हो प्रिंट आउट ले लो। चौथा, आपके पास पहले से हो एनसीईआरटी, आपके किसी रिलेटिव दोस्त के पास हो उससे ले लो, जैसे भी हो एनसीईआरटी ले लेनी है। और मैं बताता रहूंगा बीच बीच में पढ़नी कैसे एनसीईआरटी, पहले आप इकट्ठा कर लेना सामान। ये जो पढ़ने का तरीका था कि कैसे पढ़ना है, ये प्रश्न जरूर करने। अब जब आप प्रश्न करोगे तो एक सिलेबस में बीच में कहीं एक लाइन आई थी, देखना आप कितना याद है आपको, प्री के सिलेबस में लिखा हुआ था सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल था। क्या पूछा जाता है उसमें? सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल क्या होता है? सरकार की कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम सुने सबने? तो आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये करके लाना आपको कल, कल के लिए आज का होमवर्क है, कल आप लेके आना, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। होमवर्क सुने, कोई भी योजना उठा लेते हैं, जैसे पीएम फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं। सिनॉप्सिस मतलब योजना क्या है, योजना क्यों बनाई गई, उद्देश्य क्या है, कौन सा मंत्रालय इस योजना को चलाता है, इस योजना में कोई कमी है क्या, योजना की कोई उपलब्धि है, ये सब बातों का एक सिनॉप्सिस बनाना है आपको। बन जाएगा सिनॉप्सिस? तो बताएं ये सिनॉप्सिस बन गया तो कहां काम आएगा, प्री में या मेंस में? सिलेबस में कहां लिखा उसने? सिलेबस में प्री में लिखा था, इस बार भी और हर साल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सवाल प्रीलिम्स में रहते हैं। 2012 में तो 8 सवाल इसी से आगे थे, जननी सुरक्षा योजना, नाम सुना? ऐसी योजनाएं आती हैं, सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजना। तो आज आप इनका सिनॉप्सिस बनाना, आप बना के मुझे कल बताना क्या क्या आपको समस्या आई सिनॉप्सिस बनाने में। उसका आगे का हिस्सा मैं आपको पहले से एक बार बता देता हूं। मैंने एक सिनॉप्सिस की बुकलेट पूरी बुक बनवा दी है, अगर आप सिनॉप्सिस कल बना के लाओगे तो मैं ये निर्धारित करूंगा ये बुकलेट मुझे आपको दिलवानी है कि नहीं दिलवानी। अभी आपको ये मिली नहीं है, जो बॉक्स मिला ना उसमें ये बुकलेट नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दिल्ली इलाहाबाद किसी भी कोचिंग में ऐसी कोई बुक नहीं है। बुक का नाम सुनते हैं क्या है इसमें, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, जैसे 2022 वाला जो पिछले साल का प्री था उसमें आईएमएफ का क्वेश्चन आया था। किसका क्वेश्चन? कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक होते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नाम सुना? अभी चर्चा में था काफी दिन तक, भूखमरी सूचकांक, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट आती रहती है। इन चारों का मिलाकर के मैंने सिनॉप्सिस तैयार करवाया है, करीब 127 पेज की बुकलेट है। एक पेज में एक योजना या एक इंडेक्स कंप्लीट किया है, ये एक पेज है, इस पर लिखा है सेंटर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसके बाद इसकी सारी जानकारी यहां पर उपलब्ध करा दी। मुझे ऐसा सिनॉप्सिस कल आपसे चाहिए, मिल जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का? इस सिनॉप्सिस को बनाना, मुझे बताना क्या क्या इसमें दिक्कत आई है। अगर ये बहुत आसान है तब तो आपको बुकलेट देने की जरूरत है ही नहीं मुझे। और अगर ये बहुत मुश्किल है तो मुझे जानना है कि इसमें दिक्कत क्या है, बनाएंगे नहीं? ये कह रहा है जब पता है कि बुकलेट मिलनी है, इसका मतलब तो फिर मुझे बुकलेट कल दिखानी चाहिए थी आपको, है नहीं? आप प्रयास करना, वो इसीलिए करना, उसका कारण जानते हैं। आप बताओ ये योजनाएं सरकार हर साल नई नई योजना शुरू करती है, तो भविष्य में आपको ये बुकलेट अपडेट करनी है। जब आप इसको अपडेट करोगे तो आपको वो सिनॉप्सिस खुद बनाना पड़ेगा, कोई भी नई योजना आ जाएगी, और इतना आप जानते हैं चुनावों से 6-8 महीने पहले योजनाओं का भंडार लगना शुरू हो जाता है। वो सरकार और आम आदमी के कितना काम किए वो तो पता नहीं, लेकिन जो एग्जाम बेचारा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है ना उसके लिए सिरदर्द है। इनके चुनावों के चक्कर में 20 योजना और पढ़नी पड़ेंगी, होता है कि नहीं? आप लोगों को योजनाएं अपडेट करनी पड़ेंगी। अगर एक बार आप खुद से सिनॉप्सिस बनाना सीख जाओगे तो अपडेट करना सीख जाओगे, मेरा पर्पज वो था। तो एक बार ट्राई करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये तो बुकलेट तब आपको मिल जाएगी।
तो इस बुकलेट का महत्व भी समझ में आ जाएगा। अरे सर दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी, इस बुकलेट का महत्व समझ में आएगा आपको ये बुकलेट। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ये जैसे मैंने आपको नाम दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें जो बातें आप लिखोगे सिनॉप्सिस में, योजना कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, मंत्रालय कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है वगैरह वगैरह, बताएं ये समझने की चीज ज्यादा है या याद करने की? थोड़ा बहुत समझने का है, मैक्सिमम हिस्सा इसमें से याद करने का बिल्कुल। तो बताएं ये आज मान लो मैं आपको कह दूं 10 दिन है अभी एग्जाम में, 10 दिन बाद आपका प्री एग्जाम है, ये लो बुकलेट पढ़ लो, याद हो जाएंगे 10 दिन में सारी? हाँ, अर्थात इसको बार बार, इसीलिए बुकलेट आपको मैं शुरू में बोल रहा हूं आपको मिल जाएगी, क्योंकि साल भर जाके अगर आप बार बार योजना पढ़ोगे तो जाके उसमें से कुछ कंटेंट ध्यान रहता है, इसमें तथ्यात्मक बातें ज्यादा हैं, समझ रहे मेरी बात? और इन तथ्यों का बहुत महत्व है क्योंकि आप लोग यूपीएससी एग्जाम तो दोगे ही, साथ साथ यूपीपीसीएस का एग्जाम दोगे, उसके अलावा जिन एग्जाम का नाम आप क्लास में हमको बताते नहीं वो भी एग्जाम आप देते हो, नहीं आरओ भी तो है प्लस बहुत सारे एग्जाम है। कुछ लोग तो सर कह रहे हैं सर हम तो कांस्टेबल से शुरू करते हैं, लेकिन उसमें ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। तो आप जो भी सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो उस सिविल सर्विस के एग्जाम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का महत्व है, वहां ये बहुत काम आएगा। तो आप लोग इसका सिनॉप्सिस बनाना। अब जो हम बात कर रहे थे कि कैसे पढ़ना है, कुछ प्रोग्राम हमने चलाए हुए हैं, प्रिलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। ये प्रिलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम कब काम आता है? जब आपको प्रिलिम्स देने का टाइम आ जाए, यानी अगले साल जब मई में एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होगा, तो हम लास्ट के 6 महीने प्रिलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं। इसमें क्या होता है वो डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये कि ये फ्री होता है। भाई मेरा सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स है और मेरा तो ये मानना है कि सारा खेल उपभोक्ता कुछ भी खरीदता है। अब देखते हैं, अब धीरे धीरे आते हैं इकोनॉमी पे, है ना, बहुत हो गया सिलेबस। उपभोक्ता कुछ भी खरीदता है तो भी जानना चाहता है, पहला सवाल होता है कितने का है, बताओ हाँ कि नहीं? आप बाजार में कुछ भी खरीदने जाते हो, एक बार वस्तु को देख लेते हो और उसके बाद कुछ समझ आए ना आए, एक नेचुरल आवाज निकलती कितने का है। और उसके बाद कुछ लोगों की लिमिट होती है, वो बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है उनकी, समझो भावनाओं को, और फिर वो बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं, चाहे वस्तु की क्वालिटी समझ आए या ना आए, हमारी आदत है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कुछ लोग, जैसे दुकानदार से पूछा ग्राहक ने वस्तु कितने की, उसने कहा फ्री में, बोला ऐसे कैसे, नहीं फ्री में नहीं और कम करो। समझ गए मैं किनकी बात करूं, जाने दें बोलना नहीं होता है, इधर ध्यान दे। ये प्रिलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम है, ऐसे ही मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम अभी चल रहा है दिल्ली में, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम निश्चित रूप से नाम से पता चल रहा है ये उनके लिए, जो ऐसी संख्या हमारे पास सीमित होती है, 30, 50, 100, 150 स्टूडेंट होते हैं बस साल भर में जो मेंस दे रहे होते हैं हिंदी मीडियम में, तो उनके लिए प्रोग्राम चलता है। तो ये मेंस प्रोग्राम की जरूरत तो तब पड़ेगी जब प्रिलिम्स क्वालिफाई हो जाए, लेकिन प्रिलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करें, एक प्रोग्राम ये है, एक ही ये चल रहा प्रिलिम्स के लिए, प्रिपरेशन एनरिचमेंट प्रोग्राम ये भी प्रिलिम्स के लिए, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम ये भी प्रिलिम्स के लिए, ये 3 प्रोग्राम प्री के लिए। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ज्यादा बड़ी बाधा कौन सी है, फिर मेंस के लिए प्रोग्राम है, और लास्ट में इनमें से किसी प्रोग्राम की कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और मेरी गारंटी है, जहां तक मुझे जितना पता है, आपको इंक्वायरी पे बताए थे ये प्रोग्राम है? नहीं बताए, तो आज मैंने बता दिया तो मतलब ये बोनस हो गया, हाँ या नहीं? कल बताए थे, अच्छा कल सर ने सेमिनार में बता दिए थे, बहुत अच्छा। लेकिन इंक्वायरी पे जब आप एडमिशन लेने गए होंगे तब नहीं बताया था, यानी जितना आपने भुगतान किया है आपने तो ये सोच के भुगतान किया था हमें बस सिलेबस पढ़ाएंगे, और मैं आपको बहुत सारी अतिरिक्त बातें बता रहा हूँ, सही मायनों में देखा जाए ना तो आप काफी फायदे में चल रहे हैं इस समय। फायदे में कैसे हैं, गणित समझ में आ जाएगी अगर आपका कोई स्टूडेंट दिल्ली में तैयारी करा ना, उससे पूछ लोगे आपको लगेगा अरे भाई ये वो टेंशन में आ जाएगा कि हम तो चल के वापस इलाहाबाद से ही पढ़ लेते हैं। यहाँ का जो बैच पढ़ रहे हो ऑफलाइन बैच ये तो है ही, प्लस मैंने आपसे कहा था एक बैच की आपको रिकॉर्डेड मिल रही है दिल्ली वाले बैच की, याद है 1.25 लाख इसकी फीस है और 1.25 लाख इसकी फीस थी, आपने कितने दी अपने आपको पता होगा,
प्लस प्लस ये जो क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं, ये जो मिल रहे हैं इसकी कॉस्ट अलग है, प्लस ये जो इतनी लंबी मैंने लिस्ट दिखा दी 5-6 प्रोग्राम की, सबकी फीस अलग है, टेस्ट सीरीज अलग है, ये सारे प्रोग्राम के देख लेना। ये QAD जो प्रोग्राम है ना 15,000 रुपये का, तो एक अकेला प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ आपको फ्री मिल रही है। टोटल जोड़ लोगे तो 3 लाख का माल आपने 50-60 हज़ार में ले लिया है, समझ आ रहा है। लेकिन अगेन जब सेल आती है तो ऑफर तो आते ही है। अमेजॉन 15-16 जुलाई, वास्तव में आपको काफी चीजें ये बहुत मतलब काफी डिस्काउंट मिल गया है, और ये तब है जब टीचर दिल्ली से पढ़ाने आ रहा है। खाली रिकॉर्डेड क्लास होती ना, आप कहते अरे सर इसमें रिकॉर्डेड है तो इतना सस्ता थोड़ी हो गया, ठीक ठाक पैसे दे दिए हमने, और ये जितना भी आपने भुगतान किया है 15-16 महीने पढ़ोगे, इससे ज्यादा ट्यूशन की फीस है 10वीं क्लास के बच्चे की मंथली, कैलकुलेट करके देखना। सही कह रहा हूँ? आप लोगों ने भुगतान किए हैं ट्यूशन, या घर परिवार में चलता रहता होगा कोई ना कोई, और कुछ लोग तो पढ़ा भी रहे होंगे, वो जान रहे हैं कितना वसूल रहे हैं। तो कंक्लूजन, खैर मुझे इससे मतलब नहीं कि आपने कितना भुगतान किया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वो सब समय की बात है कि आपको सस्ता मिला महंगा मिला, अगर ये चीज़ें कम कीमत पे मिल गई हैं तो उनका लाभ उठाओ। मेरी बात समझे कि नहीं? वो तो सब हंसी मजाक की बात है, लेकिन अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। कम कीमत पर मिली हुई चीज हमेशा खराब नहीं होती है, उपभोक्ता का व्यवहार कहता है कोई चीज सस्ती होती है तो प्रथम दृष्टा उसको लगता है क्वालिटी खराब होगी, लेकिन असली हीरे की पहचान तब होती है जब नकली देख लेता है। जब तक आपने सिंगल हीरा देखा हो ना तो पता नहीं है यही असली है यही नकली है। इसलिए असली हीरे और नकली हीरे में अंतर जानने के लिए दोनों देखने चाहिए, और इसीलिए बार बार स्टूडेंट्स को एक सलाह देता हूँ जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया कि यहाँ डेमो लो और साथ में XYZ में भी डेमो लो। समझ गए? XYZ सब समझ आता है आपको, आप बहुत ऊंची चीज है नहीं है, और दोनों तीनों जगह जहां भी आपको ठीक लगे डेमो लो। आप उपभोक्ता हैं, इकोनॉमी की भाषा में बोल रहा हूँ, उपभोक्ता सारे विकल्प देखने के बाद उसमें से सबसे उत्तम विकल्प का चयन करता है। सही है कि नहीं? ऐसा ही करो। अगर कोई अभी डेमो ले रहा हो तो यहाँ डेमो लेके 3-4 जगह और भी जाके डेमो लो, फिर डिसाइड करो कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक कॉमन चीज है क्या, कि सब जगह जाके टीचर से मिलो, यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। सब जगह जाके पूछो यहाँ पे कौन कौन पढ़ाएगा, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन पढ़ाएगा और हमें क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या हम 2 मिनट के लिए टीचर से मिल सकते हैं। और फिर ऐसे संस्कृति में भी आप करो, जवाब अपने आप आ जाएगा। ये उनके लिए था जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया। आगे सुनते हैं, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये तो मैंने आज आपको बता दिया क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना और कैसे पढ़ना। अब मैं दोबारा कभी भी इस पर चर्चा नहीं करूंगा, आज की क्लास पहली थी इसलिए बताना जिम्मेदारी है ना। किताबें कौन सी पढ़नी है सबका जवाब दे दिया। एक अभी सुबह के बैच में मुझे एक क्वेश्चन मिला था, तो शायद आप में से भी कोई पूछे, इससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ कि सर मैं कोई बाजार से मैंने बुक खरीदी हुई है उसको पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। आप बताओ भाई, आपके पास अगर कोई पहले से बुक है, अगर उसमें से इकोनॉमी समझ में आ जाती तो आप यहाँ पे नहीं बैठे होते। सही बात है कि नहीं? उसको कब पढ़ना, अगर पढ़ना भी है तो कब पढ़ना, जब पहले क्लास में हम कॉन्सेप्ट समझ लें। और जब क्लास में कॉन्सेप्ट समझ लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो और आपको लग रहा है मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे कहीं को दिक्कत नहीं है, तो फिर किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता। और आपको लगे नहीं सर क्वेश्चन अभी भी नहीं होते हैं, तो पढ़ना फिर बुक, तब तो देखेंगे। सही है? अभी किसी और बुक को खरीदने की आवश्यकता, यहाँ से ही पहले इतना मटेरियल मिल जाएगा ना, आप इसी को मैनेज कर लो, यही बहुत बड़ी टास्क है। और कहीं से कुछ मैटर खरीदने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सुनते हैं जरा, तो हम लोग, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्लास किस सब्जेक्ट की है, किस सब्जेक्ट की क्लास थी? इकोनॉमिक्स, हिंदी नाम। तो जरा शुरू करते हैं। एक शब्द है अर्थशास्त्र, कुछ लोगों ने बोला इकोनॉमिक्स की क्लास है, और दूसरा शब्द अर्थव्यवस्था, जिन्होंने बोला इकोनॉमी की क्लास। दोनों शब्द अलग अलग हैं, थोड़ा अंतर है, थोड़े लिंक हैं, दोनों शब्दों को क्लियर करें। अब लिखना नहीं, अगेन मैं पढ़ाऊंगा,
जब मैं समझा दूंगा सारा, 10 मिनट में मैं सारा लिखा दूंगा नोट्स, मेरे तरीके से साफ साफ लिखना आराम से, साथ साथ लिखोगे। जो लोग कलाकारी करते हैं, टीचर समझाता रहे और आप लिखते रहो बीच बीच में, वो ना आधा समझते हैं और आधा लिखते हैं, और दोनों ही चीजों में अधूरा ज्ञान रह जाता है। इसलिए बाद में लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, पहले शब्द को तोड़ दिया, हिंदी में अर्थ का मतलब क्या है भाई, और शास्त्र का मतलब है सिद्धांत। एक ऐसा विषय है जिसमें धन से संबंधित सिद्धांतों का संग्रह या कलेक्शन है। धन से संबंधित सिद्धांतों के संग्रह को क्या बोल रहे हैं हम, अर्थशास्त्र। धन का प्रयोग कैसे किया जाए, कितना किया जाए, कहाँ किया जाए, क्यों किया जाए, धन का प्रयोग ज्यादा करने से कितना उत्पादन बढ़ेगा, कितना रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या परिवर्तन आएंगे, इन सब के सिद्धांतों का संग्रह कहाँ है। लेकिन दूसरा शब्द अर्थव्यवस्था, इधर शब्द देखते हैं, इधर भी अर्थ का मतलब क्या है और व्यवस्था शब्द को तोड़ते हैं। प्रत्येक देश में कुछ नागरिक है, प्रत्येक देश में कुछ संसाधन भी है, संसाधनों का नागरिकों को आवंटन किया जाता है। यह आवंटन इस प्रकार से किया जाता है कि नागरिकों का अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, और इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी, इस व्यवस्था को बोलते हैं क्या नाम, एक बार परिभाषा पढ़ दो, वह व्यवस्था जिसमें संसाधनों का नागरिकों को इस प्रकार से आवंटन किया जाए कि उनका अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, उस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका, इसे बोलते हैं क्या। लेकिन अभी समझ नहीं आया सर, ये तो परिभाषा, अभी समझ कहाँ आया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोयला। तो बताएं सब लोग, अब जवाब देते जाना, मैंने आपसे पहले ही कहा मेरा पढ़ाने का तरीका, मुझे टू वे ट्रांजेक्शन चाहिए। बोलो, कोयला क्या एक संसाधन है, सरकार ने कोयला आवंटित कर दिया किसी कंपनी को, मैंने कंपनी का नाम रख दिया NTPC। तो सरकार जब किसी कंपनी को कोयला आवंटित करेगी तो सरकार उस कंपनी से पेमेंट लेगी, तो बदले में सरकार को क्या मिला, आवंटन हो गया। जब आवंटन हो गया उसके बाद इस कंपनी ने कोयले का प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन शुरू कर दिया और विद्युत नागरिकों तक पहुंचा दी ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके। बताएं हमें जो ये विद्युत मिल रही है फ्री में मिली, हमने भी इसके बदले भुगतान किया, किसका, धन का। अब पढ़ते हैं, परिभाषा देखना और एग्जांपल देखना। संसाधनों का आवंटन किया जा रहा है, इसके बदले नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो रहा है, उसके बदले धन के चारों तरफ चलने वाली इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो मनी के चारों तरफ चल रही है, अर्थ के चारों तरफ, हिंदी वाला अर्थ। इस व्यवस्था में अर्थ के बिना ये व्यवस्था चलेगी ही नहीं। अगर मैं इसमें से धन, मनी शब्द को हटा दूं तो सरकार आवंटन नहीं करेगी क्योंकि मनी मिलता नहीं, नागरिक विद्युत प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको बदले वो भुगतान नहीं करेंगे तो विद्युत भी नहीं मिलेगा। तो इसमें सेंटर भूमिका विद्युत की है। और एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे बताएं भूमि एक संसाधन है, सरकार ने भूमि आवंटित कर दी टाटा कंपनी को, कौन सी कंपनी बताओ, टाटा कंपनी ने इसके बदले सरकार को पेमेंट किया, किसका, धन का। सरकार ने भूमि आवंटन करी और सरकार को पेमेंट मिल गया, मनी मिल गया। टाटा मोटर्स कंपनी का नाम था, टाटा मोटर्स कंपनी ने इस पर कार बनाना शुरू किया, कार की फैक्ट्री लगाई और कार बना करके नागरिकों तक पहुंचा दी, इससे नागरिकों का जीवन सरल हो गया, उनका कल्याण हो रहा है। लेकिन ये कार हमें फ्री में पहुंचाई है, हमने इसके बदले भुगतान किया, और हमने इसके बदले भुगतान किया अगेन किसका भुगतान, फिर से देखें ये पूरी व्यवस्था में सेंटर पॉइंट क्या है। मैं लाइन बोल रहा हूं, मनी के बिना ये इकोनॉमी, ये व्यवस्था चल ही नहीं सकती, सिस्टम पूरा डिपेंड है किस पर। अगर मनी शब्द हटा दूंगा बीच में से तो इकोनॉमी नहीं है, फिर ये खाली व्यवस्था है। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, अर्थव्यवस्था। दोनों को मिलाते हैं, दोनों शब्दों को। अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनसे ये पता चलता है कि धन का प्रयोग कब कैसे क्यों किया जाए, सिद्धांत है, थ्योरी है। अर्थव्यवस्था इन सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली एक ऐसी व्यवस्था है
जहां ये डिसाइड किया जाता है संसाधन का आवंटन कब करें, कौन से सिद्धांत से आवंटन करें, कैसे आवंटन करें कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। लाइन बदल रहा हूं, अर्थशास्त्र थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है और अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है। लाइन समझ आई? साइंस में न्यूटन ने लॉ दिए एक्शन रिएक्शन का, थर्ड लॉ, जब बॉल को फेंका बॉल वापस आ जाती तो पता चला ये उसका एप्लीकेशन है, ये थ्योरी है ये उसका एप्लीकेशन है। दोनों को मिलाकर के लाइन बोल रहा हूं, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर यह डिसाइड होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए। सिद्धांत कहाँ है और ये उसका प्रैक्टिकल रूप। लेकिन ये अर्थव्यवस्था शब्द अभी अधूरा है, अभी कंप्लीट वर्ड नहीं बना। अब क्यों कंप्लीट नहीं है तो इसको कंप्लीट क्यों नहीं है कारण ढूंढते हैं। अभी तक मैंने ये नहीं बताया ये कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, क्षेत्र का नाम अभी क्लियर नहीं किया। हो सकता है ये संसाधन अमेरिका में हो सकता है नागरिक भारत के हों और कल्याण पाकिस्तान का हो जाए। भाई अभी तक तो मैंने परिभाषा में कुछ बोला ही नहीं, अर्थात जब तक इस परिभाषा में आगे किसी क्षेत्र का नाम नहीं जोड़ोगे तब तक ये परिभाषा इनकम्प्लीट है, शब्द इनकम्प्लीट। अब मैं आगे क्षेत्र का नाम लगा देता हूँ तो मैंने यहाँ शब्द जोड़ दिया आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखें आप सब लोग मेरे साथ परिभाषा बना पा रहे हैं कि नहीं, परिभाषा बनाते हैं। भारत में उपस्थित किसकी परिभाषा, भारत में उपस्थित संसाधनों को भारत के इस प्रकार से आवंटित किया जाए कि उनका अधिकतम, और इसमें सेंटर भूमिका किसकी बन गया, क्या अर्थव्यवस्था शब्द अधूरा था। मैं आपसे कहूं कि मैं आज आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो आपका सवाल होगा सर कौन से देश की इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहां की इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, हमारा सिलेबस क्या कहता है बताएं। अब आंसर जो अगला सवाल फिर से, सिलेबस क्या कहता है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है या भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मैंने आपसे आते ही पूछा था आज किसकी क्लास है, तो जवाब आ गया, क्लास किस सब्जेक्ट की, और पेपर 6 में क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। देखें जरा परिभाषा को, जिस क्षेत्र का नाम जोड़ दोगे आगे उस स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दिल्ली की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, रशियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, क्षेत्र का नाम आगे लगाते उस कंट्री की इकोनॉमी बनेगी। और अगर मैं खाली वर्ड बोलूं इकोनॉमी तो पता ही नहीं चल रहा कहां की बात हो रही है। तो आपको यूपीएससी में पढ़ना है क्या, इंडियन इकोनॉमी, और यूपीपीसीएस में पढ़ना है साथ में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। बोलो मीनिंग क्लियर हुआ, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना। अब इसी में आगे चलते हैं, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको टॉपिक जोड़ता जाऊंगा, ध्यान देना आप लोग। बस आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर ये सरकार या प्रधानमंत्री चाहते क्या है, तो इसका जवाब इसमें छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री हर दिन नई योजनाएं बताते रहते हैं, भाषण होता रहता है, पर्पज क्या है इनका, आंसर है इसमें नागरिकों का अधिकतम। फिर अगला सवाल आया, अरे नागरिक कल्याण चाहते तो है लेकिन हो तो रहा नहीं नागरिकों का कोई कल्याण। तो किसी देश की इकोनॉमी में, किसी भी देश की हो, उसमें दो समस्याएं हो सकती हैं। नागरिकों का कल्याण कब नहीं होगा, जब या तो उस देश के पास, तो पहली समस्या होती है संसाधनों का, अगर संसाधन है ही नहीं उसके पास, उपलब्ध ही नहीं है, तो आंसर बताओ, जब संसाधन ही नहीं होंगे तो आवंटन भी, और आवंटन नहीं होगा तो कल्याण कहां से होगा। तो पहली समस्या पूरा नाम संसाधनों का, और दूसरी समस्या होगी कि संसाधन तो है लेकिन उसका सही आवंटन या वितरण, जो इन्होंने वर्ड बोल दिया टेक्निकल शब्द, हम एलोकेशन ही बोलेंगे विद आवंटन, सही आवंटन नहीं हो रहा। किसी भी अर्थव्यवस्था की दो मुख्य समस्याएं होती हैं, एक संसाधनों का अभाव होगा या तो, और या फिर सही आवंटन। अब अगर अभाव है, मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूं फिर से, यूरेनियम, भारत में यूरेनियम का अभाव है, बताओ सब लोग सहमत है हमारे पास ज्यादा यूरेनियम के भंडार। जिस संसाधन का अभाव होता है उसका बड़ा सरल सा उपाय, बहुत ही सरल उपाय है, उस संसाधन का आयात कर लो। हमने आयात कर लिया यूरेनियम का,
इंडिया ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट किया है यूरेनियम खरीदने का, और हम वहां से यूरेनियम खरीद लेते हैं। खरीद लिया, अब इस संसाधन का क्या करें, आगे बोलो, आवंटन करना शुरू किया। जैसे ही आवंटन करने लगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग जवाब आता है। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में करो, जैसे एग्जांपल के लिए कूडनकुलम, सुने ना, कहाँ है कूडनकुलम, तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर जनरेट हो रही है। दूसरा एक व्यक्ति, दूसरी एक पार्टी कहती है नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं, इसका प्रयोग करो एटम बम बनाओ, पड़ोसी बीच में बहुत बोलता रहता, समझ गए। तीसरी एक पार्टी कहती है न्यूक्लियर पावर यूरेनियम का प्रयोग करो मेडिकल साइंस में, वहां कहीं ये काम आ सकता है, कुछ रिसर्च वगैरह करें तो कैंसर के इलाज में काम आ सकता है। चौथी पॉलिटिकल पार्टी कहती है यूरेनियम का प्रयोग ही बहुत कम करो, इससे रेडियो एक्टिव विकिरण निकलते हैं, और फुकुशिमा जापान में जो हुआ अगर इंडिया में हो गया तो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी। नाम सुना फुकुशिमा, आंसर बताओ। सब लोग इस बात पर तो सहमत हैं कि यूरेनियम एक संसाधन है, इस पर तो सब सहमत है, तो फिर अंतर किस बात का, बोलो, आवंटन का, किसका अंतर। तो चेक करें अगर समझ आई हो मेरी बात, कि दो समस्याएं थी, संसाधनों का और संसाधनों का आवंटन सही ना होना, कौन सी ज्यादा मुश्किल समस्या लग रही है, आवंटन सही ना होना ये ज्यादा मुश्किल समस्या। अभाव को तो सरल उपाय था, क्या था उपाय, आयात कर लिया। भूमि एक संसाधन है, पिछली सरकार ने भूमि का प्रयोग किया कृषि क्षेत्र में, उन्होंने कहा कृषि क्षेत्र में भूमि का प्रयोग करेंगे तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ जाएगा, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा किसानों की आय बढ़ जाएगी, और किसानों की आय बढ़ेगी तो हम कह पाएंगे इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। सरकार बदली, इन्होंने कहा कि भूमि का प्रयोग हम उद्योगों में ज्यादा करेंगे, जैसे जैसे उद्योगों में प्रयोग होगा उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलने से लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम कह पाएंगे हमारी इकोनॉमी। आंसर बताओ, दोनों सरकारों का पर्पज, जवाब दो, पर्पज। और दोनों ने क्या किया, भूमि को माना है कि भूमि एक, तो फर्क किस बात का, किसका फर्क, संसाधनों के आवंटन का तरीका, हर पार्टी का, हर व्यक्ति की विचार इसमें अलग अलग होंगे। भूमि एक संसाधन है लेकिन दोनों पार्टियों ने अलग अलग तरीके से आवंटन किया। और अब आपको मेरी बात समझ आए तो आगे का आंसर आप लोग बताना, सहमत है तो। जब जब सरकार बदलती है, संसाधनों की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, बदलता क्या है, संसाधनों के आवंटन का। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी भारत का क्षेत्रफल उतना था, मोदी जी आगे भारत का क्षेत्रफल आज भी उतना है, भूमि की मात्रा नहीं बदली, क्या बदला, भूमि के प्रयोग का तरीका, तो क्या बदला, आवंटन का तरीका। तो मुश्किल समस्या कौन सी, फिर से पूछ रहा हूं, और ये सवाल इंटरव्यू का था, क्वेश्चन सुने, आप बताइए, प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह जी थे, अभी मोदी जी हैं, क्या अंतर है दोनों में। तो एक तो आप राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ, लेकिन हमें यूपीएससी की तैयारी में राजनीति, धर्म, जाति और लिंग, इस चार प्रकार के शब्दों सेंटेंस से बचना चाहिए, अनटिल अनलेस यूपीएससी खुद ना पूछे, और यूपीएससी खुद कभी इंस्पायर क्वेश्चन नहीं करता है, नेगेटिव शब्द हैं ये, किसी जाति विशेष पर प्रश्न है ना, किसी धर्म विशेष पर उंगली उठाना यूपीएससी की तैयारी में शोभा नहीं देता, आपको बहुत कठिनाई होगी। लेकिन हमारा जो परिवेश है, ग्रामीण या शहरी, जहां भी आप रहते हैं, बताओ भाई, घर परिवार में राजनीति की चर्चाएं होती रहती हैं, इस बार लग रहा है ये जीतेगा, इस बार लग रहा है वो जीतेगा, चलता रहता है कि नहीं। आप उसमें घर परिवार में बैठे हो तो आनंद लो, लेकिन जब आप तैयारी करते हो तो उसको भूल जाओ बिल्कुल। अगर आपने राजनीतिक बातें नहीं छोड़ी तो आपको मेंस लिखने में बहुत दिक्कत आई, और इंटरव्यू में तो आपकी खिंचाई कर देंगे अच्छे से, टाइम पास करते हैं, भेज देंगे आपको, भगा देंगे, क्योंकि उनको राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको ब्यूरोक्रेट चाहिए, प्रशासनिक व्यक्ति चाहिए। और मेरे ख्याल से सब लोग को जानकारी होगी, बताओ क्या कोई आईएएस व्यक्ति कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता, नहीं कर सकता, तो उसकी विचारधारा भी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसको राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहिए। तो मैंने सवाल पूछा आपसे कि पहले की सरकार और वर्तमान सरकार में अंतर क्या आया, तो एक तो आप कोई राजनीतिक जवाब दोगे तो फंस जाओगे, आर्थिक जवाब दो, मैं बोल रहा हूं आर्थिक जवाब, देखना
पहले की सरकार और वर्तमान सरकार में मुख्य अंतर संसाधनों के आवंटन के तरीके में है। हाँ, पहले की सरकार जो संसाधन का आवंटन करती थी वो पारंपरिक तरीका था, वर्तमान सरकार ने टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ा दिया। मैंने राजनीतिक जवाब नहीं दिया, सुनना वो मुझसे राजनीतिक चाह रहा था कि मनमोहन सिंह और मोदी जी में कोई कंपैरिजन बताएंगे। हम क्यों बताएंगे, हमारे पास चाहे लाख हंसी मजाक की बातें हों दोनों के बीच में, खूब कंपैरिजन हम सोशल मीडिया पर सुनते रहते हो, लेकिन हम इंटरव्यू में थोड़ी बोलेंगे। मेरी बात से सहमत है सब लोग? तो हमें जवाब जो देना है वो आर्थिक जवाब होगा। भूमि एक संसाधन था और संसाधन के आवंटन का तरीका बदल गया। तो मैंने आपसे पूछा, बता रहा था मैं आपको सेंटेंस एक, जब जब सरकार बदलती है तो क्या बदलता है? अब आप लोग मुझे कंक्लूजन बताओ, दोनों में से बड़ी समस्या कौन सी, संसाधनों का अभाव या उनका आवंटन? लेकिन सामान्यतः अभाव की समस्या को दूर करते रह जाते हैं। अब जो मैंने इकोनॉमी की समस्या बताई, यही समस्या मैं आपके व्यवहारिक जीवन पर लगा रहा हूं। मैं जितनी इकोनॉमी पढ़ाऊंगा सब आपके जीवन पर अप्लाई करूंगा, और खुद पर अप्लाई करोगे तो हंसी भी आएगी, हंसी रुकेगी भी, क्योंकि खुद पर हंसना पड़ रहा होता है कई बार। देखें जरा ध्यान से, एक स्टूडेंट है, वो गोरखपुर में रह करके तैयारी कर रहा है आईएएस बनना है उसको, लेकिन वो दिल्ली और इलाहाबाद आ नहीं पा रहा है, और वो बड़ा परेशान है। कहता है कैसे तैयारी करेंगे, बड़ा अभाव है। किस चीज का अभाव है? संसाधनों। किसका? उसे पूछा क्या दिक्कत है, कह रहा है अच्छे नोट्स नहीं है हमारे पास, अच्छी कोचिंग नहीं है, यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है। तो किसी ने बोला, अरे ये कोई समस्या हो, ये तो बड़ी सरल समस्या है, जिस चीज का अभाव है उसका आयात, मतलब उसको दूसरे स्थान से खरीद लो। तो उसको किसी ने बता दिया कि भाई एक काम करो, हम तुम्हें नोट्स ला देंगे, पैसे बता दिए, इतने पैसे में नोट्स आ जाते हैं। तो 4-5 हज़ार में सारी कोचिंगों के नोट्स इकट्ठे कर लिए। बोलो इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं? जीरोक्स ही तो लेनी है, 150-200 रुपए में चलता रहता है, जीरोक्स आ जाएगा। तो कौन सी समस्या हल कर ली इसने? संसाधनों का। कितना आसान उपाय था, भारत के किसी कोने में बैठा हो इस समस्या को हल करना बड़ा आसान है, होगी हल। और आजकल तो किसी दोस्त की भी जरूरत नहीं है, सारी कोचिंग अपना डीएलपी प्रोग्राम चलाती है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। कोचिंग के फोन नंबर पे जाओ, उसे बताओ कि मुझे हमें नोट्स घर पर मंगाने हैं, सारे नोट्स आ जाते हैं घर पे, सारी बुक्स घर पे आ जाती है, उसका फोन नंबर वगैरह लिखा होता है। इसने मंगा लिए नोट्स और 3-4 कोचिंग के मंगा लिए 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके। लेकिन असली समस्या तो इसकी अब शुरू होती है। असली समस्या क्या, अब इसको संसाधनों का अवावंटन कर रहा है। देखें जरा, जब ये GST पढ़ने की कोशिश करता है तो उसका अचानक से अमेरिका की क्रांति याद आ जाती है। क्रांति जैसे तैसे समझ आ ही रही थी, इतने में इसको याद आया कि बाढ़ आ गई, आपदा प्रबंधन भी तो पढ़ना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन करने की कोशिश करने लगता है, जीवन में खुद आपदा आ जाती है इसके। उस आपदा को समझने के लिए इसने संविधान को समझने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय दे रहा है, ये समझ आ ही रहा था, इतने पता चल रहा इसरो ने फिर कुछ छोड़ दिया। कुछ समझे मेरी बात, क्या दिक्कत है इसकी? संसाधनों का आवंटन कर नहीं पाया, और यही एक कारण होगा जिस वजह से ये सिलेक्शन नहीं ले पा रहा। और एक और दिक्कत है, इसने ये सब भी अगर एक ही कोचिंग के नोट्स मंगाए होते तो भी शायद काम चल जाता, लेकिन ये भी कलाकार था, इसने पहले ही 3-4 कोचिंगों के जो जो नाम सुने थे सबके नोट्स मंगा दिए। अब आप बताओ भी, हर व्यक्ति, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका, हर किसी की नोट्स लिखाने की भाषा भी सेम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो भाषा सबकी अलग अलग थी। अब यहां पर लिखा हुआ है GST के बारे में किसी और तरीके, दूसरी कोचिंग में GST में कुछ और लिखा हुआ है, अब ये कंफ्यूज हो गया सही कौन सा है। तो समस्या तो आपने खुद मोल ले ली, सही कौन सा था इसको पहले किसी से या तो पूछ लेते। अब जब 3 कोचिंगों के नोट्स मंगा लिए हैं तो 1 साल तो इसका इसी में बीत गया, आखिर तीनों में से सबसे सही है कौन? तो समझ ये नहीं आ रहा, ये तैयारी कर रहा है या मूल्यांकन कर रहा है? मेरी बात समझे क्या हो रहा है? इसकी तैयारी तो कहीं और चली गई, अब तो ये ढूंढने में लग गया कौन सी कोचिंग सही है। और साल भर बाद तो ये निष्कर्ष निकला, मुझे लग रहा है कि इस कोचिंग में GST में ठीक नहीं लिखा हुआ है। साल भर बाद तो केवल ये पता चला इसको, अब जाके सोचेगा अच्छा अब ये वाला पढ़ लेते हैं। आप बताओ इसका समय और धन वेस्ट हो रहा है? तो हमें, मैं फिर से पूछ रहा हूं, कौन सी समस्या ज्यादा मुश्किल? जिस चीज का अभाव हो उसको दूर करना तो बहुत सरल है, नहीं?
लेकिन सामान्यतः आप लोग भी ऐसे ही करते रहते हो। आप में से कुछ लोग अभी लिख रहे हैं, मुझे पता रहता है कौन कौन लिख रहे हैं, हम टोकते नहीं है। ये जो लिख रहे हैं ये कौन सी समस्या दूर कर रहे हैं भाई? कौन सी समस्या दूर हो रही है? लिख लिया इन्होंने, अब लिख तो लिया, जब मैं समझा रहा था इन्होंने पूरा सुना नहीं, अब ये घर जाके पढ़ेंगे। समझ में आएगा भाई पूरा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभाव दूर करने में रह गए। आप बताओ, आप मेरे पास यहाँ पे आज क्लास में बैठे हो आप सब लोग यहाँ पे, तो आप क्या करने आए हो? नोट्स लिखने आए हो या समझने? आपका पहला टारगेट क्या है? उसके बाद कि सर एक बार लिखवा दीजिए, नहीं तो अगर बाद में भूल गए तो रिवीजन कैसे करेंगे? यही टारगेट है। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, वो टीचर यहाँ पे लिखेगा सब्जेक्ट का नाम अर्थव्यवस्था, वो भी लिख लेते हैं अर्थव्यवस्था और नीचे ऐसे अंडरलाइन ऐसे वाला, और इधर श्री जय श्री राम, और इधर ये भी सब चल रहा होता नहीं, पूरा बढ़िया से तीन कलर से डेकोरेट करते हैं। जीवन पहले इतना रंगीन है और क्यों कर रहे? आप लोग लिखना तब जब मैं लिखवाऊंगा, पहले उसको कलरफुल नोट्स बनाने लग जाते हैं। भाई आपको अगर खाली नोट्स चाहिए तो बताओ, जितना आपने भुगतान किया है मैं नोट्स लिखे लिखवाए दिलवा देता हूँ। दिल्ली मैंने जो अभी लेटेस्ट बैच कंप्लीट किया होगा उसकी क्लास नोट्स की जीरोक्स आपको दे देते हैं और बोलेंगे ये 50,000 रुपये 60,000 रुपये आपने दिए, ये नोट्स लो घर जाओ। आप बताओ चले जाओगे? आप क्या कहोगे, अरे सर नोट्स लेने थोड़ी आए थे, नोट्स तो बाजार में 150 रुपये मिल जाता, आप किस लिए आए थे? और जब हम समझा रहे थे तो यहाँ पर जय श्री राम कर रहा है। समस्या इसमें है कि आप पहले ये टारगेट क्लियर करो कि आपको करना क्या है। आपको संसाधनों का अभाव दूर करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवंटन का तरीका सीखना है। और ये एक व्यवहारिक समस्या है भाई। आप में से कोई भी विद्यार्थी जो पहले से तैयारी कर रहा हो, चाहे वो घर पे या किसी कोचिंग से, ये दिक्कत आती है व्यवहारिक? बताना। इकोनॉमी पढ़ते हैं तो चिंता हिस्ट्री की, हिस्ट्री पढ़ते चिंता ज्योग्राफी की, बोलो होता है कि नहीं? और इंसान की आदत है जो चीज उसके पास नहीं होती उसको पाने की लालसा बहुत ज्यादा होती है। मुस्कुराओ मत, मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो पहली कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट चल रहा है ना उसी पर फोकस करो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा दिए जाएंगे। अभी सुबह वाले बैच में कल तक परसों तक साइंस की क्लास चल रही थी, तो उसमें साइंस की क्लास चल रही थी, तो साइंस वाले सर जब यहाँ से क्लास लेके गए तो मुझे बताया, रहे सर बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? वो लोग कह रहे इकोनॉमी की क्लास कब होगी? तो मैंने कहा मैं जाऊँगा तो वो फिर पॉलिटी की क्लास को ढूंढेंगे, उसमें कौन सी नई बात है। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कम रहता है, और जो नहीं पढ़ाया उस पर चिंता, और जब सारा पढ़ लेता है तो उसको समझ से आता है पढ़ें क्या, कि घालमेल बन जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन बना के चलना, डेली की टाइम क्लास का टाइम क्लास करो, घर जाके रिवीजन करो, क्लास नोट्स के साथ प्रिंटेड नोट्स एक बार देख लो, कोशिश करो डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, पंजाब केसरी छोड़ के कुछ भी पढ़ो, उसे पढ़ने लायक कम, बाकी आप जानते ही हो। पंजाब केसरी कभी देखा होगा समझ जाएंगे, जाने दो, देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या कह रहा था। फिलहाल उसको नहीं पढ़ना है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, बताओ उसमें एक पेज बिजनेस या इकोनॉमी का आता है कि नहीं आता? एक पेज इंटरनेशनल रिलेशंस, रशिया यूक्रेन क्या हो रहा है, आता है एक पेज? पेज को पढ़ो, उनको पढ़ो, जितना समझ आ सकता समझो, नहीं समझ आ रहा तो भी न्यूज़पेपर पे सिटिंग हैबिट बढ़ाओ कि मुझे आधा एक घंटा डेली न्यूज़पेपर देखना है। आपको पता हो कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, उन शब्दों को धीरे धीरे जानते रहो। पहले ही दिन से पूरा न्यूज़पेपर समझ आ जाए ऐसा तो संभव नहीं है, बताओ संभव है क्या? लेकिन इस चक्कर में न्यूज़पेपर पढ़े ही नहीं, ये भी गलत है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहना। तो मैंने अभी जो दो बातें बताई, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो बताएं किसी अर्थव्यवस्था की दो समस्याएं क्लियर हैं कौन कौन सी? संसाधनों का और संसाधनों का सही आवंटन ना होना। अब जो बार बार मैं बोल रहा हूँ संसाधन का अभाव, संसाधन का आवंटन ना होना, तो मन में एक सवाल बन गया, ये संसाधन आप कहते किसको हो वो सुन लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए चार प्रमुख संसाधन माने गए, ये चार संसाधन बोल दें हम इनको, या इनको चार कारक भी बोल देते हैं, पर्यायवाची शब्द है। क्या शब्द है? कारक। किस चीज के संसाधन है ये? उत्पादन के। उत्पादन किसका होता है भाई?
वस्तु या ये पेन क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये परिभाषा बता सकते हो वस्तु सेवा की, ये तो एग्जांपल था, मैं परिभाषा बताता हूं। वस्तुएं टेंजिबल होती हैं, टेंजिबल मतलब स्पर्श कर सकते हैं कि ये वस्तु है, और सेवाएं इनटेंजिबल है, उनको स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। घर पे आपने पिज्जा डिलीवरी बॉय से पिज्जा ऑर्डर किया, ये पिज्जा घर पहुंच गया, बताओ पिज्जा क्या है, पिज्जा क्या है, स्पर्श कर सकते हैं। और पिज्जा आपके पास 30 मिनट में पहुंच गया, आप क्या बोलते हो, इस कंपनी की सर्विस बड़ी अच्छी है। क्लियर हो रहा है? दूसरा, एक तो ये एक परिभाषा का अंतर हुआ, दूसरा अंतर, वस्तुओं को स्टोर किया जा सकता है। मैंने पेन बनाए, मेरी फैक्ट्री है पेन बनाने की, मैंने 100,000 पेन बना के गोडाउन में स्टोर कर दिए, मेरी मर्जी, मैं आज नहीं बेचता इनको, 2 साल बाद बेचूंगा। लेकिन सेवाओं को स्टोर करना बहुत मुश्किल है। डोमिनोज वाले ने पिज्जा 30 मिनट पहुंचाया, मैं इसकी सर्विस स्टोर कर सकता हूं, लेकिन पिज्जा स्टोर कर सकते हैं, बोलो। गुड्स कैन बी स्टोर्ड, लेकिन सर्विस को स्टोर करने में बहुत दिक्कत है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हुई है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इसको पेन ड्राइव में स्टोर कर सकता हूं, कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़े समय के लिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली या तो टेक्नोलॉजी की वजह से डिलीट हो जाएगा, या हम उसको डिलीट कर देंगे, या इसमें अपडेट नहीं होगा तो ये सर्विस पुरानी हो जाएगी। बताएं, तो वस्तुओं को स्टोर किया जा सकता है, वस्तुओं को टेंजिबल होती हैं। और एक तीसरी चीज, ये आप बहुत काम की चीज है, भाई बाद में मेरे को आपको जीएसटी पढ़ाना है, फुल फॉर्म बोलो, मैं टैक्स पढ़ाऊंगा, वस्तु और सेवा नहीं, वस्तु सेवा मैं आज बता रहा हूं, मेरी कोई भी क्लास वेस्ट नहीं है, हर क्लास जुड़ी हुई है, मैं पहले बता दिया आपको। और मैं आपके, मुझे नहीं पता आप में से कौन डेमो लेने को आया हो, तो मैं तो क्लास पढ़ा रहा हूं आज से, वो अभी सोच रहा हो तो सोचे, लेकिन जितने दिन सोच रहे हो लगातार बैठना, बीच में ब्रेक दे के फिर आपको याद आया, नहीं नहीं चलो संस्कृति में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको रहेगा सर 2 क्लास छूट गई मेरी, फिर वो रिकॉर्डेड मोड में पूरी करना। मैं आपसे जो बात बोल रहा था सुने, वस्तु और सेवा के बारे में बताना आप सब लोग आंसर। ये पेन मैंने आज अपनी कंपनी बनाया, बनाया आज की डेट में, और इसको बेचूं मैं किसी और डेट में, संभव है कि नहीं? उत्पादन की तारीख और विक्रय की तारीख अलग अलग, बोलो। लेकिन सेवा, मैं अभी सेवा आपको प्रोड्यूस करूं और भी सेल भी कर रहा हूं, सेवाओं के प्रोडक्शन की और विक्रय की तारीख, डोमिनोज वाले ने कहा आपको मैं सर्विस दूंगा आपके घर कल, 30 मिनट पिज्जा पहुंच जाएगा, तो कल ही वो सेवा प्रोड्यूस होगी और कल ही वो आपको दे भी दी, उसके पैसे भी उसने ले लिए उससे। अगले दिन सेवा लोगे तो फिर दोबारा वो सेवा प्रोड्यूस करेगा, फिर दोबारा सेवा पहुंचाएगा। तो वस्तुओं को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए सेल कर और प्रोडक्शन दोनों की तारीख अलग अलग हो सकती है। अब आप लोग बताएं, तो पेन क्या था ये, और जो मैं पढ़ा रहा था ये, वापिस आते हैं टॉइन पॉइंट पर। उत्पादन करने के संसाधन कितने, अगेन बोलो, किस चीज का उत्पादन, वस्तु या, अब आगे से ही बार बार रिपीट होगा, 2-4 बार आप क्लास में मुझे जवाब दोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। उत्पादन करने के 4 संसाधन है, मैं चारों के डायरेक्ट नाम बताऊंगा तो आप रटोगे, मुझे आपको रटने नहीं देना है। आइए, इसकी तैयारी का एक पैमाना है, आपके स्वयं पैमाना सेल्फ, कि जहां लगे ना आपको सर मुझे रटना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, रटना पड़ रहा है, मतलब तैयारी ठीक नहीं चल रही है, रटना नहीं है, 99% आपको समझना है, और थोड़ा बहुत है जो कुछ चीजें जैसे याद करनी है कि क्रांति कब हुई थी 1857 में, एक छोटा सा फैक्ट हो गया, लेकिन उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलत क्या सही, वो समझना है, रटना नहीं है। तो संसाधन कितने थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझ में आ जाएंगे चारों, बजाय उसको रटवाने के। 4 संसाधन समझते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने घर में जाके बोल रहे हो कि आपको एक पेन बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, आपको पेन बनाना और पेन बनाने के लिए फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो पहले तो बताओ पेन क्या है, वस्तु या सेवा, ठीक। अब आपने घर जाके बोला कि पेन बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, तो सबसे पहले तो घर के लोगों के बहुत सारे कमेंट आपको सुनने पड़ेंगे, जैसे क्यों पेन बनाने की फैक्ट्री क्यों खोलनी है, आईएएस नहीं बनना था तुझे, तो कह रहा था आईएएस ही बनेंगे, बहुत जोश था आईएएस बनने का, क्या हुआ ठंडा हो गया, बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे कि नहीं,
उसके फाइनली आपने कहा हाँ हाँ ठीक है बस हो गया, पेन बनाने की फैक्ट्री खुलेंगे। अब घर के पेरेंट्स का गार्जियन के क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन सुनो, पेन बनाने में पैसे भी लगते हैं, हमारे पास नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्या लगते हैं? यानी आपको मनी चाहिए, मनी आपके पास नहीं है। उत्पादन करना है वस्तु का तो उसके लिए संसाधन चाहिए। उन्होंने खुद ही बोल दिया पेरेंट्स ने कि पैसा कहाँ से लाओगे। आपने बोला कि पैसे मेरे पास नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी है आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने काफी धन दीवार में चिनवा के रखा हुआ। तो आपने बोला कि वो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। फिर पेरेंट्स ने अगला क्वेश्चन पूछा, ठीक है पैसे तो तुम ले आओगे, तुम्हें तो चाय बनानी नहीं आती, पेन क्या बनाओगे? इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको किसकी? श्रम। क्या चाहिए? तो आपने बोला पैसा होगा तो श्रम को हायर कर लेंगे। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा, कहाँ बनाओगे पेन? घर में तो रहने की जगह नहीं है। अर्थात क्या चाहिए? क्या कर रहे हैं हम? उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन? पेन मतलब वस्तु का उत्पादन के लिए भूमि। तीसरा, ये धन से केवल काम नहीं चलता। उन्होंने बोला बेटा पेन बनाना है तो ऐसे हाथ से थोड़ी पेन बन जाएगा, कोई ना कोई मशीन। मशीन को मैं मशीन ना बोल के मैंने बोल दिया इसके लिए। और दोनों को मिला के एक टेक्निकल शब्द है इकोनॉमिक्स में, पूंजी। क्या नाम है? वो कह रहे हैं आपको पेन बनाना है तो क्या क्या चाहिए? देखो पेरेंट्स ने खुद ही बोल दिया आपको कुछ रटना नहीं है, क्या चाहिए? और चौथी चीज, जो सबसे बड़ा संसाधन है, जो आपने अपने घर जाके बोला था कि मुझे पेन बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, इस संसाधन का नाम होता है उद्यमशीलता। क्या नाम? उद्यमशीलता का मतलब होता है रिस्क लेने की प्रवृत्ति। आपने घर जाके बोला मुझे आईएएस नहीं बनना, मुझे पेन बनाने की फैक्ट्री खोलनी, अर्थात आप बिजनेस करने का रिस्क लेना चाह रहे हो। बताओ बिजनेस में रिस्क छुपा है कि नहीं? आप रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हो। इस प्रवृत्ति को, इस आपकी एटीट्यूड को बोलते हैं कि आप उद्यमी या उद्यमशीलता की प्रवृत्ति आपके अंदर है। और इकोनॉमिक्स कहती है कि रिस्क लेने की क्षमता हर किसी में नहीं होते। आप लोगों ने ऐसे सेंटेंस बहुत बार सुने हैं, बोले हैं, समझना उसको पूरी तरह से। कभी कभी ऐसा सुना होगा ना कि बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सुना? एक व्यक्ति, आप अपने पड़ोसी को सोचना, याद आएगा कुछ ऐसे व्यक्ति की शक्ल याद आ जाएगी। एक ऐसे व्यक्ति को आप जानते होंगे जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन बिजनेस नहीं करता है, कोई पैसा रखा है घर पे, और कभी कभी उसको टोकने का मन भी करता है, इतना पैसा है कुछ बिजनेस कर लो। वो कहता क्यों, तुम्हारे पैसे हैं? और फिर उसको डांटने का मन भी करता, छेड़ने का मन करता, अरे पैसे नहीं बिजनेस करना, हमें दे दो हम कर लेंगे। आप बताओ जिस व्यक्ति के पास मनी बहुत है वो भूमि खरीद सकता है, किराए पर ले सकता है, लेबर बुला सकता है? भूमि पैसा है तो उसके पास टेक्नोलॉजी मशीनें भी, तो क्या दिक्कत है कि बिजनेस नहीं करता? उसके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति। और जो मैंने अभी लाइन बोली थी फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा आपने बहुत सुना है, बोला है कि बिजनेस करने के लिए दम चाहिए। सुना है कि नहीं? मुस्कुरा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भाई अपने, जाने दो। हर किसी में बिजनेस की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन हाँ इकोनॉमिक्स कहती है कि यदि उत्पादन के संसाधनों का प्रयोग करोगे तो प्रत्येक संसाधन को उत्पादन के परिणाम स्वरूप आय प्राप्त होगी। तो बताएं श्रम को क्या मिलता है बदले में? श्रम ने मजदूरी, ये उत्पादन किया तो बदले में इसको मजदूरी मिल गई। जैसे श्रम को आय के रूप में मजदूरी प्राप्त हुई, ऐसे भूमि को बदले में किराया या लगान प्राप्त होता है, पूंजी को उसकी आय के रूप में ब्याज मिलता है, और जो रिस्क लेता है उसे लाभ होता। क्या हो रहा है? तो आप कुछ, किसी का मन में सवाल होगा, हानि भी तो हो सकती है? नहीं, इकोनॉमिक्स मान के चलती है कि जो व्यक्ति रिस्क ले रहा है उसने रिस्क कैलकुलेट करके ही लिया है, उसने सारी संभावनाओं को तलाश लिया तब वो रिस्क ले रहा है। और जो रिस्क कैलकुलेट करके लेगा उसको हमेशा, अगर रिस्क में हानि होती है इसका मतलब उसने रिस्क को कैलकुलेट ठीक से नहीं किया था। बाइक सबके पास हो सकती है लेकिन हर कोई थोड़ी 150 पे चला लेगा, समझ आ रहा है? और जो रिस्क 150 पे चला रहा है बताएं वो रिस्क ले रहा है? तो रिस्क ले रहा है तो घर जल्दी पहुंच जाएगा, 5 मिनट में घर, लेकिन कब?
जब इसको बाइक 150 पे चलाने की प्रैक्टिस हो, इसको पता हो कब कितना क्लच और ब्रेक दबाना, और अगर इसको रिस्क लेना नहीं आता और फिर भी 150 पे चलाया तो जल्दी पहुंच जाएगा। घर हटा दिया मैंने, समझ गया आगे आंसर क्या निकला। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना और रिस्क की कैलकुलेशन अगर सही हो तो परिणाम क्लियर है, क्या परिणाम होगा। लेकिन अगर आपने रिस्क की कैलकुलेशन ही ठीक नहीं करी थी तो निश्चित रूप से हानि हो सकती है। और इकोनॉमिक्स मान के चलती है कि जो व्यक्ति रिस्क ले रहा है वो लॉजिकल है, तार्किक है, और तार्किक व्यक्ति अगर रिस्क लेगा तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो बताएं उत्पादन के कितने संसाधन। अब चारों संसाधन में मैंने जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि समस्याएं दो होती हैं, संसाधनों का और दूसरा। अब भारत में कौन सी समस्या है, अभाव है, तो जरा चेक करते हैं कौन से संसाधन का अभाव है। आप लोग बताओगे मुझे जवाब, भूमि अभाव है, रेगिस्तान खाली है, भूमि का अभाव है क्या। राजस्थान और लद्दाख दोनों रेगिस्तान खाली हैं, यानी हमारे पास ऑप्शन तो है, संभावना है, अलग बात है कि हम उसका प्रयोग कर नहीं पा रहे। तो भूमि पर्याप्त है, बोलो। दूसरा अभाव है, यही तो मोर देन सफिशिएंट है, नहीं। हाल ही की खबरों के हिसाब से भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, पढ़ रहे होंगे आप, और इंडिया की आदत है एक बार हम किसी को पीछे छोड़ते फिर आगे निकलने नहीं देते, जाने दो। तो हमारे पास श्रम, बोलो, पर्याप्त है, पूंजी अभाव है, चेक करो। कुछ लोग कह रहे हाँ, कुछ कह रहे नहीं, कोई बात नहीं, दोनों बीच में, ये अभाव है भी और नहीं भी, धन का अभाव, बिल्कुल। ये देखें जरा, धन के बारे में सोचो पहले, मनी, अभाव है इंडिया मनी का, कुछ हाँ कर रहे, आपके बारे में थोड़ी पूछ रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं। कुछ लोग जो हाँ कर रहे हैं कि मनी का अभाव है, याद दिलाते हैं इनको, 8 नवंबर 2016 कौन सी डेट है ये, नोटबंदी। नोटबंदी हुई तो जिसको आप सबसे गरीब मानते थे अगले दिन वो भी 5 लाख लेके बैंक की लाइन में लगा था, और तब आपकी आंखें खुली, अच्छा अब समझ में आया पैसा आता कहां से, बताया नहीं इसने कभी, है ना। और उस दिन बड़ा अच्छा एक ऐसा दिन था, मतलब आप हाथ में 5 लाख की गड्डी लेके खड़े हो, कोई लूट भी नहीं रहा है, कारण लेके जाएगा कहां, उसी लाइन में आएगा नहीं। तो खैर उस बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, नोटबंदी के बारे में। तो आप देखें भारत में मनी का भाव नहीं है, वो अलग बात है, मनी कुछ लोगों के पास कम और किसी के पास बहुत, असमानता है, अभाव नहीं। तो अभाव किसका, हमारे पास मॉडर्न या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी तो है, मैं आपको माइक से पढ़ा पा रहा हूं, ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव है इस समय, 5000 से ज्यादा लोग इसको लाइव इस समय देख रहे हैं, तो मैं आपको जो पढ़ा पा रहा हूं ये टेक्नोलॉजी की सहायता से। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट की जा सकती है कि मैं एक साथ 20,000 लोगों को अगर कुछ माइक से बोलना चाहूं तो शायद उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास ना हो। तो टेक्नोलॉजी का अभाव है, लेकिन कैसा, पूरा शब्द क्या, आधुनिक तकनीक का अभाव है। सेंटेंस पूरा हुआ, अब आप बताएं अगर मैं तकनीक, आधुनिक तकनीक का अभाव बोल रहा हूं तो कौन सी, संसाधन का नाम क्या था। तो मैंने आपसे बोला था किसी अर्थव्यवस्था में दो समस्याएं, और भारत की समस्याओं में पहला अभाव किस चीज का, बोलो भैया, पूंजी का अभाव। दूसरा उद्यमशीलता, बताएं रिस्क लेने की प्रवृत्ति भारत में कम है कि ज्यादा। आवाज आई थी कहीं से बीच में पहले वाले में, ज्यादा भी बोला किसी ने, मैं बिजनेस के रिस्क की बात कर रहा हूं, कॉलेज के रिस्क की नहीं। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति लोगों में कम है, क्यों, आपके परिवार में या आपने आसपास कहीं भी सुना हो तो क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ाई हो गई अब कोई नौकरी की तैयारी करो, चाहे गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं प्राइवेट भी नौकरी करो। कोई परिवार में बोलता नहीं बेटा पढ़ाई पूरी होगी अब कोई बच्चा अच्छा सा बिजनेस शुरू करो, क्यों, क्योंकि बिजनेस में क्या छुपा है, और ना व्यक्ति और ना उसका परिवार दोनों ही रिस्क लेना नहीं चाहते, रिस्क लेने की प्रवृत्ति कम है, और दोनों रिस्क लेना क्यों नहीं चाहते,
क्योंकि इस रिस्क माइंड में तो रिस्क ले लेगा कि चलो बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन फाइनली इसके लिए पहले चाहिए क्या, वो उसके पास सीमित है। और जब पूंजी ही सीमित है तो ना भूमि ला पाएगा ना श्रम, बताएं सब समझ आए कि नहीं। तो दिक्कत क्या है, भारत में पूंजी का भी अभाव है और उद्यमशीलता का भी। मैंने आपसे कहा था जिस चीज का अभाव होता है उस समस्या को दूर करने का तरीका उसका आयात करते हैं। किसका आयात करें बताना, पढ़ के क्या लिखा है बोलो, मेक इन इंडिया ना, मैं पढ़ता हूं मेक इन इंडिया। आपने पढ़ा एक सांस में पढ़ दिया मेक इन इंडिया, और मैंने जैसे पढ़ा आपको आधा तो मतलब ही समझ आ गया है। मेक पढ़ने के लिए ना किताबें मत बदलो, पढ़ने के तरीके बदलो, सब कुछ समझ में आता। आपने भी पढ़ा मैंने भी पढ़ा, बस मैंने कुछ नहीं एक जगह पहुंच दिया है और बहुत सारा मीनिंग क्लियर हो रहा है कि हम विदेशी कंपनियों को कह रहे हैं कि भारत में आकर के उत्पादन करो। बोलो दोबारा, उत्पादन किसका, वस्तु। और अगर वो विदेशी कंपनियां भारत में आके उत्पादन करेगी तो कंपनी अपने साथ क्या लाएगी, बोलो, मनी आएगा, बोलो, प्लस एप्पल कंपनी इंडिया में आके मोबाइल बनाएगी तो अपनी टेक्नोलॉजी से बनाएगी ना, सैमसंग से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेगी। तो आप बताएं क्या आ गया भारत में, मनी और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या आ गया। हमारे पास अभाव किसका था, पूरी लाइन सुनाता हूं। भारत में किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के चार कारकों की आवश्यकता होती है, भारत में पूंजी का अभाव है। हाल ही में सरकार ने मेक इन इंडिया नाम का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से विदेशी पूंजी को आकर्षित किया जा रहा है। विदेशी पूंजी जब भारत में आएगी तो भारत में आधुनिक तकनीक का आगमन होगा। उस तकनीक के आगमन से एक समस्या हमारी दूर होगी कि हमारी पूंजी का अभाव दूर हो जाएगा, और दूसरी एक और समस्या दूर हो जाएगी कि जो संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं इनका भी सही दोहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये मैंने जो इतना कुछ बोला ये औपचारिक भाषा थी, समझने की भाषा और औपचारिक भाषा में थोड़ा सा अंतर है। समझाने के लिए मैं तरह तरह के एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो मैं एग्जाम्पल नहीं लिखा सकता, किताबों में एग्जाम्पल नहीं होते, इसीलिए किताबी भाषा मुश्किल होती है। अंतर समझ रहे कि नहीं, लेकिन आपको दोनों पे कमांड करनी है, पहले समझ लेना है लेकिन फाइनली औपचारिक भाषा लिखनी और पढ़नी है, इसीलिए आपको हम एनसीईआरटी पढ़ने को कहते हैं। आप में से किसी ने एनसीईआरटी पहले पढ़ी, एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी सी कठिन है, आवाज आई बहुत कठिन है। मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको, मेरा टॉपिक पढ़ाने के बाद पढ़ना आप एनसीईआरटी, आप कहोगे सर भाषा सरल है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से जब समझा दूंगा तब लगेगा अरे सर उसमें लिखा मुश्किल था, एग्जांपल सुनने के बाद तो लगा नहीं नहीं वो सही सरल है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो एनसीईआरटी पढ़नी फिर भी आपको, क्यों, क्योंकि उसकी जो कठिन भाषा जिसको आप कठिन कहते हो उसको हम औपचारिक भाषा कहते हैं, और यूपीएससी उसका प्रयोग करता है एग्जाम में, और चूंकि यूपीएससी प्रयोग करता है तो आपको उस रीडिंग लगाना अनिवार्य है। मैंने क्लियर हुआ, हाँ लाइन पूरी करें तो बताएं आंसर। हमारे पास जो इतना श्रम उपलब्ध है या भूमि उपलब्ध है, जैसे मैंने कहा कि रेगिस्तान भूमि खाली पड़ी है, बताएं अगर भारत में पूंजी का आगमन हो जाए तो हम उस बंजर भूमि का भी सदुपयोग किसकी सहायता से, अर्थात टेक्नोलॉजी वो उपकरण है जिसकी सहायता से अन्य दो संसाधन जिनका बहुत आयात है, जिनकी मात्रा हमारे पास ज्यादा है, इनका भी अधिकतम दोहन अगर टेक्नोलॉजी आ जाए, किसी व्यक्ति को मोबाइल सही करना सिखा दें, यानी उसको हमने स्किल डेवलप कर दी, तो बताएं इससे रोजगार के अवसर। लेकिन पहली आवश्यकता क्या, पूंजी ज्यादा होगी तो श्रम और भूमि का भी सही दोहन हो पाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, पहली समस्या को दूर करो। क्या समस्या थी पहली भाई, संसाधनों का, और भारत में किसका अभाव, और पूंजी के अभाव को दूर करोगे तो अन्य संसाधन जो ज्यादा हैं इनका सदुपयोग संभव है। दूसरी समस्या संसाधनों का आवंटन, दूसरी समस्या क्या है, आवंटन सही ना होना। अब देखो आवंटन सही करने का तरीका, मैंने अभी आपको एक भूमि वाला एग्जाम्पल दिया था, भूमि का प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया पहले सरकार ने, अब दूसरी सरकार भी भूमि का प्रयोग कृषि क्षेत्र में करना चाह रही, तो उन्होंने तरीका निकाला, आपने नाम सुना होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नाम सुना है भाई मृदा, क्या होता है इसमें,
मिट्टी की हेल्थ को जांचते हैं कि कैल्शियम फास्फोरस मिट्टी में कौन से खनिज ज्यादा हैं क्या कम है, और जब एक बार मिट्टी का स्वास्थ्य जांच लेते हैं तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कौन सी फसल की पैदावार यहाँ ज्यादा हो सकती है या किस फसल के लिए मिट्टी उपयुक्त और अनुपयुक्त है। तो बताएं इससे किसानों की सही मात्रा में उसको कौन सी फसल का उत्पादन करना चाहिए उसको ये ज्ञान दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये सब हमने कैसे किया? टेक्नोलॉजी से। तो फिर से सुने, टेक्नोलॉजी वो उपकरण है जिससे हम भूमि पर हम मैक्सिमम उत्पादन कर पाएंगे। तो जरूरत किसकी? यानी फिर से आवंटन का तरीका बदलना है। मैंने आपसे बोला था संसाधनों का आवंटन सही नहीं है, आवंटन में प्रयोग करो टेक्नोलॉजी का। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे आवंटन अपने आप सुधरता जाएगा, और आवंटन सुधरेगा तो उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों के अभाव में पूंजी का अभाव प्रमुख है। हम पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए लगातार FDI को आकर्षित कर रहे हैं। नाम सुना FDI? बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं FDI। और इस FDI को लगातार आकर्षित करने के लिए तरह तरह की स्कीम आती रहती है। पूंजी आ जाएगी तो भूमि और श्रम का भी उपयोग संभव हो पाएगा। तो कंक्लूजन, संसाधन कितने होते हैं बोलो? संसाधन बोले या कारक बोले, बात एक ही है। जब GDP GNP पढ़ाऊंगा तो फिर ये नाम फिर रिपीट होंगे बाद में, जब हम GDP GNP वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। संसाधन किस चीज के हैं? इन संसाधनों से क्या कर रहे हैं? उत्पादन किसका? वस्तु या? चार संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, और चारों संसाधनों की अपनी अपनी इनकम है। भूमि को आय में मिलेगा क्या? पूंजी को रटो नहीं, आपने सोचा श्रम पूछेंगे अगला, रटने नहीं दूंगा आपको, या तो आप मेरी क्लास छोड़ जाओगे क्योंकि ये रटने नहीं दे रहे हैं, समझोगे नहीं तो UPSC खत्म। बताएं सब लोग, जैसे जैसे एक व्यक्ति की एज बढ़ती है उसकी समझने की क्षमता और रटने की क्षमता, 10वीं क्लास में जितना आप रट सकते थे, और ऑप्शन भी नहीं होता था, उतना थोड़ी समझ होती थी ये क्या है, समझ लो करियर बन जाएगा, ये हो जाए। टीचर स्कूल का एक पाठ पढ़ाता था, 5 क्वेश्चन लिख के लाने होते थे होमवर्क में, और वो धमकी देता था कल पिटाई होगी याद करके आना। सुना नहीं? रट जाते थे जैसे तैसे, समझ आ, रटा रटा, नहीं रटा तो स्कूल छुट्टी कर ली। अब रटने की क्षमता आपकी, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी रटने की क्षमता, और फिर भी रटने की कोशिश करते हैं, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। आप समझो क्यों? क्योंकि आपकी दिमाग उसके उस दृष्टिकोण से विकसित हो रहा है। आज आपको कोई समझाएगा ना बाइक कैसे चलाते हैं, समझ जाओगे, और कोई याद करवा दे पहले पहले नंबर पर ये कार्य करना है, दूसरे पर ये करना, आपको कि रटवाओ मत, एक बार दिखा दो बाइक क्या है और कैसे चलाएंगे, एक दो बार गिरेंगे सीख जाएंगे। हाँ कि नहीं? समझने की क्षमता बढ़ रही, फिर समझो ना, फिर क्यों रट रहे हो? फिर भी लोग 6 महीने 8 महीने गलती करते रहते हैं, और जब तक एक अटेम्प्ट नहीं देते एग्जाम का तब तक समझ नहीं आता। क्योंकि कहा जाता है इंसान को जो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाने के बाद लगता है कि अच्छा अच्छा अब समझ आया, ये तो याद करना ही नहीं था, ये तो बेकार था, ये किताब खराब थी। तो ये सब ज्ञान उसी समय क्यों प्राप्त होता है, पहले से क्यों नहीं? तो आपको हिंदी मीडियम में रिजल्ट सुधारना है, कोचिंग को तो बहुत प्रयास करना ही है, उसी के लिए मैंने आपको दिखा इतने सारे प्रोग्राम की लिस्ट है, लेकिन फाइनली तो कार्य आपको करना है। बोलो, ये जरूरी है वो। तो हम लोग अब तक ये जान गए अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, उत्पादन के कितने संसाधन, कितने, अब ये सारी बातें यहां तक लिख लेते हैं, हेडिंग डाले अर्थशास्त्र। क्या डिंग डाला? अर्थशास्त्र। हाँ जी, कूलिंग कम कर देते हैं। अर्थशास्त्र हेडिंग डाल के रख लो और इसके सामने लिखो ब्रेक के बाद लिखेंगे। अब हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, यहाँ बेल बज जाती है, एक बेल बजेगी, बेल बजने का मतलब है कि अब आप क्लास में वापिस आ जाइए, है ना, क्योंकि ब्रेक में हर किसी की अपनी अपनी लिमिट है,
कोई धीरे धीरे नीचे से निकल जाता है ऑटो पकड़ के, चाय पीने भी चल, चाय पी के ऑटो, ऑटो से जाते हैं चाय पीने। तो ऐसे व्यक्ति ध्यान दें, ऑटो से आप ना जाएं, इसलिए चाय साथ लेके आए। तो खैर समझ गए मेरी बात, 10-12 मिनट के ब्रेक के बाद फिर दोबारा मिलेंगे और फिर ये लिखेंगे और आगे का सब पढ़ेंगे। चलिए
हेलो हाँ भैया भाई हाँ भैया क्लास के अंदर वो बाहर ही है कहीं है ना अमित एक चैनल में आइडियो नहीं आ रही थी तभी तुम बताए नहीं एक चैनल में आइडियो नहीं आ रही थी तभी नहीं आ रही थी हेलो मैं बोल रहा हूँ सर
हाँ जी, तो जो हम लिखना जहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ से कोई टाइमिंग का कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है मैसेज में, और कुछ लोगों तक वो मैसेज पहुँच नहीं रहा है, ये कुछ पता चला मुझे इंक्वायरी पे, कुछ आप लोगों की दिक्कत है। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप उस नंबर, जैसे आपको जो मैसेज भेजते हैं कोचिंग की तरफ से, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करने के लिए नंबर को सेव करना ज़रूरी होता है, और आपको नंबर सेव कर लोगे अगर उसको संस्कृति के नाम से जो भी आप लिखना, तो आपको मैसेज आपको सारे रिसीव हो जाएंगे। एक तो ये कारण है कि जिस वजह से आपको मैसेज नहीं आ रहे होंगे, और दूसरा कारण कि जिन लोगों ने अपने नंबर अपडेट नहीं किए हैं, कई बार होता है आपका कॉलिंग नंबर अलग है और आपका व्हाट्सएप नंबर अलग है, आपने वहाँ जो दिया होगा फॉर्म पे अपना नंबर, वो कॉलिंग वाला नंबर दे दिया है, इसीलिए आपको व्हाट्सएप मैसेज ना आ रहे हो। तो आप एक तो अपने नंबर को अपडेट कराओ, कोचिंग में अपना नंबर जो भी अपडेट कराना है वो बता दो, भाई हमारा ये नंबर नहीं, ये नंबर है, इस पे मैसेज भेजो। और दूसरा, आप कोचिंग का नंबर सेव कर लो, इससे आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज आ जाएंगे। तो मैं नंबर लिख रहा हूँ, पहले तो वो सेव कर लो, आप लोग फ़ोन में भी इनको सेव कर लेना, तभी मैसेज आते हैं।